भूमतः जनस्य संस्थे स्वसंतम त्वायुजा प्रतिब्रूविमहि। गाय पास रखने वाले, लोगों के स्थानों पर आक्रमण करने वाले, लंबी लंबी सांस लेने वाले शत्रु को तेरी सहायता से हम उत्तम उत्तर दें। स्वराज्य का संरक्षण करने के लिए पृथ्वी पर आए हुए अहिनामक शत्रु पर तूने शासन किया। तू उत्साह से युक्त है, इसलिए तू शत्रु को मारने के लिए अपने शत्रुनाशक सामर्थ्य से द्वेष करने वाले को दूर करने का प्रयत्न करता है। इंद्र शत्रुओं को मारता है और इस प्रकार वह शत्रु रहित होता है, इसलिए वह प्रबल शक्तियों से संपन्न है। यह सब बातें इन वचनों में पाठकों को मिलेंगी, इसलिए पाठक इन वचनों को ध्यान से पढ़ें और स्वयं शक्ति संपन्न कैसे हों यह विचार करें। पाठक इस दृष्टि से इसका अध्ययन करें और उससे बोध प्राप्त करें। जो इस रीति से अध्ययन करेगा वह इंद्र के समान शूरवीर और शत्रु को जीतने वाला होगा। संरक्षण करने वाला इंद्र सभी देवता मनुष्यों का संरक्षण करते हैं, पर उनमें भी इंद्र का संरक्षण विशेष महत्व का है। इस विषय में निम्न मंत्रों को देखें। देवानां महत अवह ऊतये वयम् आवृणीमहे। देवों का महान संरक्षण हम सबके रक्षण के लिए मांगते हैं। कौन सी संरक्षण की शक्ति के साथ और कौन से सामर्थ्य के साथ वह इंद्र हमारे पास आवे। अपने संरक्षण के लिए सब शत्रुओं को एक साथ मारने वाले, सब स्तुतियों से वर्णन के योग्य इंद्र को अपने पास बुलाओ। महान संरक्षण के साधनों के साथ तू हमारे पास आ। ज्ञानी जिसका संरक्षण करते हैं उस मनुष्य को कोई भी दबा नहीं सकता। तेजस्वी दूसरे जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे संरक्षण के महान साधन हमें प्राप्त हों। तेरे संरक्षण से हम सुरक्षित रहें। लोगों को दुखों से तारने वाला, शत्रु को भय दिखाने वाला, गायों से मिलने वाले अन्नों का दाता इंद्र है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। संरक्षण के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने वाले, सुरक्षितता के लिए साधनों को तैयार रखने वाले सब जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे इंद्र को हम सहायता के लिए बुलाते हैं। अनेक बालों से युक्त सब प्रकार के ज्ञान जिससे होते हैं, ऐसे इंद्र के लिए बृहत नाम के साम को हम अपने रक्षण के लिए गाते हैं। तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे। सब संरक्षण के साधनों से तू सामर्थ्यवान है। तू सामर्थ्यवान और अत्यधिक बलवान है। एक साथ बहुत सा यश प्राप्त करने वाले, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता, ऐसे इंद्र को हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। वज्रधारी इंद्र धन प्राप्त के सब मार्गों को सरल करता है। इस तरह इंद्र संरक्षण करता है। इस विषय के उत्तम वचन विचार करने योग्य हैं। उनका विचार पाठक करें और अपने में ऐसी संरक्षण की शक्ति बढ़ाएं। धनवान और धनदाता इंद्र। इंद्र स्वयं धनवान है और वह धन दूसरों को देकर उनकी सहायता करने वाला भी है। इस विषय में निम्न वचन द्रष्टव्य है। श्रुता मघः प्रसिद्ध धनवान, वसुः सबको बसाने वाला धनवान, राधा नाम पति ही अनेक प्रकार के धनों का स्वामी, पुरु वसुः बहुत सा धन जिसके पास है, विभा वसुः तेजस्वी धन रखने वाला, प्रभु वसुः प्रभुत्व करने वाले धन जिसके पास हैं, दिवा वसुः दिव्य धनों को रखने वाला, तुविन्द्रम्लः बहुत से धनों से युक्त, त्वम् एकः इत वस्वः इशीयः तू अकेला ही धनों का स्वामी है, धनसा धनों का दान करने वाला, धनस्य साते इंद्रम हवामहे धन के दान के लिए हम इंद्र को बुलाते हैं। पंच क्षितीनाम द्युम्नम आभर पांच प्रकार के जनों के तेजस्वी धन हमें भरपूर दे, नह सुवितम आभर हमें उत्तम धन दे, धनानि संजितम ऊतये हुवेम धनों को जीत कर लाने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। मेरे जैसे स्तुति करने वालों को जो धन तू देता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तू इंद्र देव है, तेरे लिए हुए दान पास आने पर बढ़ते हैं।
हे इंद्र, तू श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करने वाले और तेरी अपेक्षा छोटे मुझे वह भरपूर धन दे, अनेक प्रकार के धन दे। उस प्रशंसनीय मंत्रों से स्तुति के योग्य धनों के समुद्र इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करो, महान इंद्र की पूजा करो। मेरे पिता की अपेक्षा तू धनवान है, धनों का उपभोग न करने वाले भाई की अपेक्षा भी तू धनवान है। मेरी माँ तेरे समान है, धन प्राप्ति और सिद्धि के लिए हमारा संरक्षण कर। तेरे पास से संरक्षण प्राप्त होने के बाद हम धन से सुसंपन्न हों। हमारे संरक्षण के लिए उपभोग के योग्य शत्रु को पराजित करने वाले, हमेशा विजय प्राप्त कराने वाले श्रेष्ठ धन हमें भरपूर दे। हे शतक्रतो भद्रम इशम ऊर्जनः आभर, हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, कल्याण करने वाले अन्न और सामर्थ्य हमें दे। कारीगरों के संरक्षण करने वाले धन हमें देवें। जो धन मजबूत खजाने में रखा हुआ है, जो धन स्थिर रूप से रखा हुआ है, जो धन कठिन स्थान पर भूमि में गाड़ा गया है, उस सुंदर धन को हमें भरपूर दे। बहुत से धनों को पास में रखने वाला इंद्र अपने उपासकों को अनेक प्रकार के धन देता है। हे इंद्र, धन देने के लिए आ, सदाचारी मनुष्यों को धन दे। गायों की अपने पास रखने की इच्छा वालों को गाय देकर बलवान कर। दानशील के लिए रत्न दे अर्थात धन दे। जो उपभोग के योग्य धन हैं उन्हें असुरों के पास से ले आ, उनकी सहायता से उपासकों को महान कर। जो तेरे लिए आसन फैलाते हैं उन्हें भी महान कर। निकृष्ट धन तेरा है, मध्यम धन का तू पोषण करता है, परम श्रेष्ठ धनों पर भी तेरा ही अधिकार है। गाय देने वाले तेरा कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता। हमारा दान कभी भी नष्ट न होवे। विलक्षण और बल बढ़ाने वाले धन हमें दे। धन प्राप्त की इच्छा करने वाले हम तेरे दाएं हाथ को पकड़ते हैं, तू उस हाथ से धन देता है। तू गायों का स्वामी है यह हम जानते हैं, इसलिए तू गाय दे। मेरे हमेशा मांगते रहने से क्या तू गुस्सा हो गया है? अपने स्वामी से कौन भला नहीं मांगता, सब अपने स्वामी से ही मांगते हैं, उसी प्रकार मैं मांगता हूँ। अतः क्रोध न करते हुए मुझे धन दे। उत्तम धन से युक्त इंद्र धन देता है। तेरे दिए गए धन अब मेरे पास नहीं रहे, इसलिए दोनों हाथों से मुझे भरपूर धन दे। उत्तम वीर से युक्त गायों वाले धन हमें भरपूर दे। हे सब लोगों के हित करने वाले उत्तम दान देने वाले इंद्र, हमें धन देकर महान बना। हे इंद्र, तू अपने यश के अनुरूप ही धन देता है। जो इंद्र पहले से ही हमें धन देता आया है, उस इंद्र की हम अपने संरक्षण के लिए स्तुति करते हैं। जब युद्ध शुरू होते हैं उस समय शक्तिशाली वीरों को धन प्राप्त होता है। तू किसको मारता है, किसको धन देता है, यह सब तेरे ऊपर है, पर हमें धन दे। इंद्र धन प्राप्त करता है और उन्हें अपने उपासकों को देता है। उन धनों को लेकर उपासक उत्तम स्थिति में रहते हैं। धन का अर्थ है गाय, घोड़े, रथ, भूमि, सोना, रत्न और दूसरे भी पदार्थ, जिसकी सहायता से मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है। 100,000, अयुत 10,000 आदि शब्द भी मंत्रों में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे इंद्र हजारों दान देता है, तिजोरी में रखे स्थिर और भूमियों में गड़े हुए ये तीन प्रकार के धन होते हैं, ऐसा कहा है। ये धन मोहर रुपए इस प्रकार कुछ होंगे ऐसे मालूम पड़ता है। 100,000, 10,000 इन संख्याओं में गिने जाते हों, ऐसी कोई चीज होगी, यह विचारणीय है। यह धन ऐसा होना चाहिए जो तिजोरी में रखा जा सके, बैंक में स्थिर रूप से रखा जा सके और भूमि में बर्तन में बंद करके गाड़ा जा सके। सोने के मोहर के रूप में ये धन होंगे, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। आजकल 100,000, 10,000 तक के कागज के नोट प्रयोग में आते हैं, पर उस समय इस प्रकार कागज के नोटों का प्रचलन नहीं था, रत्नों का प्रयोग था। पहले पर उन्हें भी 1,000, 10,000 की संख्या में देना संभव नहीं था, इसलिए सोने चांदी की ही मुद्राएं होंगी ऐसा प्रतीत होता है, पर यह विचारणीय है। यदि मैं धनवान हो जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यह विचार प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक है। इस प्रकार का एक वाक्य निम्न मंत्र में आया हुआ है।
अहम यत वस्वह इशीय मे स्तोता गोशखा स्यात्। यदि मैं धन का स्वामी हो जाऊं तो मेरी स्तुति करने वाला गाय का मित्र हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी, ऐसा यहाँ कहा है। धनवान की सब जगह स्तुति होती है, इंद्र धनवान है इसलिए उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। उसी प्रकार जो धनवान होगा उसकी स्तुति सभी करते रहेंगे, क्योंकि स्तुति से प्रसन्न होकर वह धन देगा। यहाँ प्रयुक्त हुआ धन वसु गौ के रूप में नहीं है, यह व्यवहार में आने योग्य कोई दूसरा ही धन है, जो हजारों की संख्या में दूसरों को दिया जाता है। सुंदर वसु नाम का धन हमें भरपूर दे, वह इंद्र हमें वसु नामक धन देवे, हमें धन दे। छुमंतम चित्रम ग्रामम दक्षिणे न आसंग्रिभाय, शब्द करने वाले लेने योग्य विलक्षण धन दाएं हाथ से संग्रह करके हमें दें। इसमें चित्रम ग्रामम छुमंतम ये तीन धन के विशेषण हैं, यहाँ उनका थोड़ा सा विचार करते हैं। चित्रम विलक्षण चमकने वाले तेजस्वी, ग्रामम हाथ में लेने योग्य, छुमंतम शब्द करने वाले अन्न देने वाले। इन शब्दों के विचार से यह ज्ञात होता है कि वे धन चमकने वाले अर्थात सोने चांदी के, हाथों में अनेक संख्या में लेने योग्य और शब्द करने वाले आवाज करने वाले होंगे। धातु के सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकार के टुकड़े ही ये हो सकते हैं। आसंग्रिभाय यह शब्द बताता है कि लोग इनका संग्रह करते थे, इससे ये सिक्के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में थे, यह भी प्रतीत होता है। हमें उत्तम गाय उत्तम घोड़े और उत्तम रथों से समृद्ध कर, इसमें गाय घोड़े और रथ भी संपत्ति है, ऐसा कहा है। पर यह धन ग्रामम अनेक संख्या में हाथ में ग्रहण करने योग्य, छुमंतम आवाज देने वाले और चित्रम चमकने वाले नहीं हैं, इसलिए गाय घोड़े और रथों की संपत्ति हजारों की संख्या में दिए जाने वाले धन से भिन्न है। इस प्रकार का धन वैदिक काल में उपयोग में आता था, यह विषय और भी विचारणीय है। रथ और घोड़े इंद्र के रथ थे और रथ चलाने के लिए उत्तम शिक्षित घोड़े भी उसके पास थे। सुंदर मोर के रंग के समान अयाल वाले घोड़ों से हे इंद्र तू यहाँ आ, घोड़ों के रथ में बैठने वाला इंद्र बलवान दोनों घोड़े उसने रथ में जोड़ लिए हैं, वह वृत्र को मारने वाला इंद्र आ गया है। कहने मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले सुंदर अयाल वाले सुनहरे रथ में जोड़े जाने वाले हजारों और सैकड़ों घोड़े इंद्र को जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचाते हैं। इस वचन में इंद्र के घोड़े कैसे सुशिक्षित थे यह बताया गया है। सूचना के शब्द सुनकर ही उठकर खड़े हो जाने वाले, मंत्र बोलते ही रथ में जुड़ जाने वाले, यह उत्तम सुशिक्षित घोड़ों का लक्षण है। इशारा होते ही खुद ब खुद जाकर खड़े हो जाने वाले अत्यंत सुशिक्षित घोड़े ही ऐसा कर सकते हैं। उत्तम अयाल गर्दन के बाल वाले सोने के रथ में जोड़े जाने वाले हजारों अथवा सौ घोड़े, एक रथ में हजार अथवा सौ घोड़ों का जोड़ा जाना संभव नहीं। इंद्र के साथ दूसरे अधिकारी भी होंगे, ये घोड़े उन्हीं के होंगे। बड़े लोगों के रथ के साथ अनेक घुड़सवार होते हैं, उसी प्रकार इंद्र के साथ भी होंगे। अथवा आलंकारिक भाषा में यह किरणों का वर्णन होगा, क्योंकि अनेक स्थल पर हरि दो घोड़ों के जोड़े जाने का वर्णन है। दो घोड़े का रथ में जोड़ा जाना संभव है, अतः हजार और सौ यह वर्णन अलंकारिक होना चाहिए अथवा किरणों का वाचक होना चाहिए। गाय इंद्र का संबंध जैसा घोड़ों के साथ है वैसा ही गायों के साथ भी है। जैसे यज्ञ के लिए बहुत सा दूध देने वाली गाय की आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञ में इंद्र को बुलाया जाता है। गाय के दोनों कान सोने के चिन्ह से सुशोभित होते हैं, हमारी गायें बहुत दूध देने वाली हों। बल अथवा अन्न की इच्छा करने वाला तू हमें गायों के गोष्ठ को दे, गायों के गोष्ठ में हम रहें। दूध देने वाली सरलता से दुहने वाली बहुत दूध देने वाली अन्न रूपी गाय के लिए इंद्र से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे गायों के स्थानों पर घी की वर्षा हो, हमें घी बहुत मिले। दुधारू गायें अपने बछड़े के पास जाती हैं, यह गायों का वर्णन इस ऐन्द्र कांड में है।
बहुत सी गायें हमारे पास रहें और दूध व घी खूब मिले, यह तात्पर्य है। इंद्र की माता, इंद्रम त्वा देवी जनित्री अजीजनत, तुझ इंद्र को सबको उत्पन्न करने वाली द्यावा पृथ्वी इन देवियों ने उत्पन्न किया। इस इंद्र की दो माताएं हैं, स्तुति के योग्य, गति करने वाली, निरंतर कार्य करने वाली। उस माता का यह बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र की वह उपासना करने लगी, उसके पास रहकर उसकी सेवा करने लगी। एक स्थान पर बैठकर स्तुति करना, एक स्थान पर बैठकर सब संगठित होकर इंद्र परमेश्वर की उपासना आर्य लोग करते थे। उन स्तोत्रों को एक स्थान पर बैठकर गाओ, आओ बैठो और सब मिलकर इंद्र के स्तोत्र गाओ। इंद्र की एक जगह बैठकर स्तुति करो और उसकी बार बार स्तुति करो। यज्ञ में एक जगह मिलकर स्तोत्र गाएं और तेज प्राप्त करें, एकत्र बैठकर गाएं। गाए गए स्तोत्रों को सुनने के लिए इंद्र आता है। अपने बल से द्युलोक के स्वामी इंद्र की एक जगह इकट्ठे होकर बैठकर स्तुति करो। पक्षी जैसे एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार हम भी एक जगह इकट्ठे होकर तुझे नमस्कार करते हैं। यज्ञ स्थान में एकत्र बैठकर तू इंद्र हमारा मित्र हो और हमारी उन्नति में सहायक हो। जहाँ यज्ञ होता था वहाँ सब आर्य आते थे, एक जगह इकट्ठे होकर बैठते थे और सब मिलकर इंद्र की प्रार्थना, स्तुति और उपासना करते थे। और एक जगह बैठकर प्रार्थना करने के कारण उनमें एकता थी। एक जगह इकट्ठे होने का यह लाभ है, ज्ञानी कैसे होता है। कह ब्रह्मा तम इंद्रम सपर्यति, कौन ज्ञानी उस इंद्र की उपासना करता है। एक स्थान पर बैठकर उसकी प्रार्थना करने से ज्ञान की वृद्धि और सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्वत की उपत्यका और नदी के संगम पर बैठकर अपना मन उस परमात्मा में लगाने से महाज्ञानी बनता है। ज्ञानी बनने के लिए ऐसी तपस्या करनी चाहिए। पर्वत पर और नदी के संगम पर मन की एकाग्रता के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। घर में भी यदि एकांत स्थान मिले और मन एकाग्र हो, इसके लिए आवश्यक तैयारी करके साधना प्रारंभ करने पर मन एकाग्र होने से जो लाभ होने संभव हैं, वे लाभ हो सकते हैं। थोड़े अधिक कष्ट होंगे, बस इतना ही है, पर लाभ होगा अवश्य। इंद्र का रथ और वज्र। मनुष्य कारीगर ऋभुओं ने इंद्र के घोड़ों के लिए रथ बनाया और देवों के कारीगर त्वष्टा ने इंद्र के लिए तेजस्वी वज्र तैयार किया। उत्तम से उत्तम रथ और वज्र लेकर इंद्र उत्तम प्रकार से तैयार हो जाता था और ऋभु रथ इत्यादि बनाते थे और त्वष्टा फौलाद के वज्र बनाकर इंद्र को देता था। युद्ध करने वाले वीरों को उत्तम से उत्तम शास्त्रास्त्र बनाना आवश्यक है, नहीं तो युद्ध में विजय मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है। इंद्र के पास ऋभु, त्वष्टा आदि उत्तम कारीगर हैं और युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रों का उत्तम रीति से निर्माण करते हैं। इस प्रकार इंद्र सदा ही विजयी होता है। इंद्र जख्म ठीक करता है। यह इंद्र जोड़ने का कोई साधन न होते हुए भी किसी संधि के टूट जाने पर शीघ्र जोड़ देता है और धनवान, बहुत ऐश्वर्यवान इंद्र टूटे हुए भागों को उत्तम रीति से फिर जोड़ देता है और घावों को ठीक करता है। शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने वाले वीरों को इसका ज्ञान आवश्यक है। युद्ध में शस्त्रों के जख्म तो होने ही हैं, पर उनको शीघ्र ही ठीक करने का ज्ञान होना आवश्यक है। इंद्र इस विद्या में कुशल है, इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अन्य देवों में अश्विनी कुमार इस कार्य में निपुण हैं, पर इंद्र वीर होते हुए भी घावों को ठीक करने में वह कुशल है, यह यहाँ दृष्टव्य है। दुख दूर करना, इंद्र दूसरों के दुख दूर करता है, इस विषय में निम्न मंत्र हैं। दुस्वप्न्यम परासुव, बुरे सपनों को और उनके कारणों को दूर कर, दुख देने वाले स्वप्न आवे ही न, ऐसा कर। निर्ति नाम परिब्रजम वेत्थ, दुखों को दूर कैसे किया जाए यह तू जानता है।
अहह अहह सुंध्युः परिपदाम इव, प्रतिदिन अपनी शुद्धता करने वाला अपनी अनिष्ट अवस्था दूर करता है। उसी प्रकार रोज साफ रहने से विपत्तियां दूर होती हैं। रोग दूर करो, दुर्बुद्धि दूर करो और हमसे होने वाले पाप दूर करो। दुष्ट बुद्धि दूर होने का अर्थ है पाप दूर होना, और पाप दूर होने का मतलब है रोगों का दूर होना। जिसे शत्रु से दूर ले जाया जाता है उस मनुष्य को पाप नहीं लगता और दुष्ट भाव भी उसके पास नहीं आते। पाप के कारण दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपने में पाप की प्रवृत्ति न हो, अतः सावधान रहना चाहिए। अपना शरीर मन इंद्रियां शुद्ध रहें, पाप की प्रवृत्ति दूर हो, इन सबके होने से हमसे दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे और हम सुखी होंगे। पापों से दूर होने का यह प्रयत्न प्रत्येक को करना चाहिए। विरुद्ध आचरण न करना। हम विरुद्ध आचरण न करें, इस विषय में आगे के मंत्र देखें। हम कोई हानिकारक काम नहीं करते, हम कोई विरुद्ध कार्य नहीं करते। मंत्रों में जो उपदेश किया है उसी का हम आचरण करते हैं। हे अथर्व वेद के अध्ययन करने वाले, यदि तेरे आचरण में कोई दोष हो गया हो तो जगत के उत्पन्न करने वाले देव की स्तुति कर। सविता यह सब जगत का उत्पन्न करने वाला देव है, उसकी स्तुति से सब दोष दूर होते हैं। क्रोधयुक्त बातें न कर, इससे बहुत कष्ट होते हैं। शुद्ध आचरण न करने वाला मनुष्य उस उच्च स्थान को नहीं पा सकता, जितना चाहिए उतना धन नहीं पा सकता। ज्ञानी मित्र हमें सरल मार्ग से ले जाता है। जिसकी द्रोह न करने वाले देव रक्षा करते हैं वह मनुष्य सुनीति से चलने वाला होता है। उत्तम मार्ग से चलने वाले मनुष्य को देवों के संरक्षण मिलते हैं, इसलिए सदाचार से बर्ताव करें, यह वेद में कहा है। विशेष शुद्ध नियमों के पालन करने वाले वरुण की स्तुति पूर्वक वंदना करें और उसके समान स्वयं भी उत्तम नियमों का पालन करें। पुष्टिकारक अन्न खावें, हमारे अन्न अधिक पोषण करने वाले कर, और ऐसे अन्न तू खा, भाई बंधु कोई नहीं। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है, तेरे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, तेरा भाई कोई नहीं। युद्ध से तू भाई पने की इच्छा करता है, इंद्र का कोई भाई नहीं, इस कारण भाई बंध का झगड़ा उसके लिए कुछ है ही नहीं। इंद्र पर शासन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यह ही सब अधिकार करता है। इसको किसी मित्र की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह इतना सामर्थ्यवान है कि यह अकेला ही सारे शत्रुओं का नाश कर सकता है। यह युद्ध द्वारा सब शत्रुओं को दूर करता है, इस कारण जिसके शत्रु दूर होते हैं वह इससे प्रेम करता है। इस प्रकार इसके चाहने वाले मित्र बहुत हैं, पर वे इंद्र की युद्ध कुशलता के कारण ही मिले हैं। घर कैसे हों, 3 मंजिल 3 छप्पर वाले, रहने वालों का कल्याण करने वाले, आश्रय के योग्य और उत्तम प्रकाश युक्त घर मुझे दे। घर 3 मंजिलों वाले हों, 3 भाग वाले हों, उसमें बहुत प्रकाश आवे, रहने वाले का कल्याण हो, उसमें लोगों को रहने की इच्छा हो, ऐसा सुखकारक घर हो। दीर्घायु हों, वायु हमारे घर में हृदय को सुख और आरोग्य देने वाले औषध अपने साथ लावे, इससे हमारी आयु लंबी हो। घर में शुद्ध वायु आवे, उसके साथ आरोग्य देने वाले शुभ गुण हमारे घर में मनुष्यों को प्राप्त हों, और इस कारण हम सब दीर्घायु हों। हमारे पुत्र पौत्रों को दीर्घ जीवन उत्तम रीति से प्राप्त हो, उत्तम वीर संतान हमारे हों और वे सब 100 वर्ष तक आनंद से रहें। यश प्राप्त हो, त्वादातम इत यशः, तेरी सहायता से यश मिले। शवसह पति ही यशाह असि, तू बल का स्वामी है और यशस्वी है, इसलिए हम यशस्वी हों, ऐसा कर। भूमि घूमती है, इस विषय का आगे के मंत्र भाग में उल्लेख है। भूमिम व्यवर्तयत, उसने भूमि को फिरने वाली बनाया। चंद्र को सूर्य की किरणें प्रकाशित करती हैं, प्रकाशित होने वाले चंद्र के मंडल में सूर्य की गुप्त किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं, ऐसा माना जाता है। विद्या देवी, पवित्र करने वाली, अन्न और बल देने वाली, बुद्धि बढ़ाकर धन देने वाली सरस्वती देवी हैं, सौभाग्य प्राप्त हो। अद्यनः प्रजावत सौभगम साविहि, आज हमें उत्तम संतानों के साथ सौभाग्य दे, हमें तू सुखी करता है, स्तुति करने वालों को सुखी कर।
हम इंद्र और पूषा को अपने कल्याण के लिए, अपने साथ मित्रता के लिए, अन्न और बल बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। सोमरस इंद्र को यज्ञ में बुलाया जाता है, वह आता है और आसन पर बैठता है, उसके बाद उसे सोमरस दिया जाता है। उन सोमरसों का वर्णन इस प्रकार है, अंधः सोमरस यह अन्न है, द्युन्मितमः सोमरस तेजस्वी है, वह चमकता है, इंदुः चंद्र के समान वह चमकता है, तेन नूनम मदः उससे उत्साह और आनंद मिलता है, यवाशिरः जौ का आटा और दूध मिलाकर उसे पिया जाता है, सोम सब उत्तम मनुष्यों का उत्साह बढ़ाने वाला है, सोमरस छानकर शुद्ध किया जाता है, सोमरस में दही मिलाकर वह पिया जाता है, दूध आदि जिसमें मिलाया जाता है ऐसा वह सोमरस हमारा उत्साह बढ़ाता है, शोभा वाला और तेजस्वी सोमरस है। सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंग के तेज से सभी शत्रुओं को मारता है, उसके पीने से इतना बल अंग में बढ़ता है, इस सोमरस की धारा चमकती है, छानने के बाद यह सोमरस चमकता है, गाय के दूध से मिश्रित सोम को पी, सोमरस निकालो और पुरोडाश को पकाओ, धान की खील से मिश्रित पुरोडाश से तथा स्तोत्रों से युक्त हमारे इस सोमरस को सवेरे पी, धनावंतः धान को भूजकर उसका आटा सोमरस में मिलाते हैं, करम्भ सत्तू मिले हुए दही को करम्भ कहते हैं, अपूप पुए और धान के खील सोम के साथ खाए जाते हैं, यह इंद्र का सवेरे का नाश्ता है। पत्थरों से सोम पीसने के कारण यजमान थक जाने पर भी बहुत सा अन्न खाने वाले राजा के समान सामर्थ्यवान ही होता है, निर्बल नहीं होता। सोमलता यह एक वनस्पति हिमालय के मौजवान शिखर पर उगती थी, 10-12 हजार फीट की ऊंचाई पर मिलने वाला सोम अत्युत्तम माना जाता था। यज्ञ में यह सोमलता लाई जाती थी अथवा गांव वालों से खरीदी जाती थी। यह लता पत्थर से कूटी जाती थी और हाथ की अंगुलियों से दबाकर उसका रस निकाला जाता था, उसके बाद उसे बारीक छलनी से छानकर उसमें पानी दूध दही मिलाया जाता था, शहद भी उसमें मिलाया जाता था, तब वह पीने के लायक होता था। केवल रस तीखा होता था, उसमें पानी दही अथवा दूध मिलाकर थोड़ा शहद मिलाने से वह पीने के योग्य होता था। यह रस अंधेरे में चमकता था, इसके साथ पुआ बड़े खीलें और पुरोडाश आदि खाने के लिए दिया जाता था। इसको पीने के बाद शूर पुरुषों में महान उत्साह उत्पन्न होता था और उस उत्साह में वीर पुरुष महान शौर्य के काम करते थे। इंद्र यह रस पेट भरकर पीता था, दूसरे लोग भी इसे पीते थे। आनंद बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला यह पेय होता था। यज्ञ में यह पेय तैयार किया जाता था, हवन के करने के बाद यह पिया जाता था। यह सोम रस का वर्णन है। इंद्र स्तुत्य हैं, इंद्र बहुत पराक्रमी है, इसलिए उसकी चारों ओर से स्तुति की जाती है। देखिए पुरुहूतः बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हैं, गिरवड़ह प्रशंसनीय, तदन्यः गिरह न ही सघत, तुझे इंद्र के सिवाय और किसी की स्तुति नहीं होती, जो तुझसे स्तुति करना प्रारंभ करते हैं वे ये हम तेरे ही हैं, तेरे भक्त हैं, इंद्र तू महान है। सब स्तुतियां समुद्र के समान विस्तीर्ण रथियों में मुख्य बलों वाले स्वामी सज्जनों के पालन करता इंद्र के यश को बढ़ाती हैं। बलों और अन्नों के स्वामी घोड़ों को रखने वाला इंद्र स्तोत्रों से प्रशंसित होता है। तेरी यह मित्रता अटूट है, तेरे सिवाय स्तुति के योग्य और कोई भी नहीं है, वेद मंत्रों से इस इंद्र की स्तुति की जाती है। इंद्र की स्तुति हमारे मन की इच्छा जानने वाला सामर्थ्यवान इंद्र हमारी स्तुति सुने। मनुष्यों के सम्राट स्तोत्रों से स्तुति करने योग्य, शत्रु का पराभव करने वाला नेता महान इंद्र की स्तुति करो। हमारे संरक्षण के लिए उत्तम रूप करने वाले इंद्र को हम प्रतिदिन बुलाते हैं, इंद्र की स्तुति करो। इंद्र की हमारी वाणी स्तुति करती है, तेरी स्तुति हमने की, वह बलवान स्वामी तुझ इंद्र को पहुंच गई है। महान ज्ञानी इंद्र की साधारण स्तुति भी उसके महत्व का वर्णन करती है। जैसा जानते हो वैसा ही इंद्र की आराधना करो, दूसरा कुछ न करो, बेकार प्रयत्न मत करो, बलवान इंद्र की ही स्तुति करो।
यह स्तुति तेरा प्रभाव बढ़ाती है। अग्नि के समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञानी स्तोत्रों से इंद्र की स्तुति करते हैं। महान इंद्र के लिए स्तोत्र कहो, इंद्र को हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हैं। गायन करने वाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते हैं, उपासक तेरी उपासना करते हैं और ब्राह्मण तुझे इंद्र का यह सबसे श्रेष्ठ है ऐसा वर्णन करते हैं। शुद्ध साम गान से शुद्ध स्तोत्रों से शुद्ध इंद्र की स्तुति करते हैं। धार्मिकों का संरक्षण करने वाले, बल के स्वामी, सब शत्रुओं का नाश करने वाले, नेता, सामर्थ्यवान, सर्वज्ञ इंद्र की स्तुति करो। सब सामर्थ्य से द्युलोक के पालक इंद्र की एक स्थान पर बैठकर उपासना करो। जो अकेला ही इंद्र अतिथि के समान लोगों का पूज्य है। बहुत स्तुतियां मनुष्य के पूज्य इंद्र की स्तुति करती हैं। अपने संरक्षण के लिए इंद्र के महत्व को उत्तम वचनों से बढ़ाओ। इंद्र की स्तुति सैकड़ों समय करो। इस प्रकार इंद्र की स्तुति की जाए, यह इस वर्णन का उद्देश्य है। इंद्र के गुण गाने वाले, सुनने वाले और दूसरे लोग जो सभा में हैं, उन सबका लाभ इस स्तुति के श्रवण से होता है। जैसे वज्रधारी शूरवीर पराजित न होने वाला, हमेशा विजयी, सब शत्रुओं को एक साथ मारने वाला, युद्ध में किसी के आगे न झुकने वाला इंद्र है। यही इंद्र की स्तुति है। बराबर यह कहा गया है, बार बार सुनने से अपने मन पर उसका परिणाम क्या होगा, इसका विचार पाठक करें। इस स्तुति को करने वाले में और सुनने वाले में मेरे अंदर ये गुण आवें, ऐसा भाव उत्पन्न होता है और यदि वह यत्न करे तो कुछ दिनों के अनुष्ठान से उसमें ये गुण आ जाएंगे और तब वह शूर बन सकेगा। स्तुति से यह लाभ होता है। देवों के गुण मुझमें आवें, ऐसे विचार आने का मतलब है कि उन्नति प्रारंभ हो गई। उसके आगे उन गुणों को अपने अंदर लाने का यत्न करना चाहिए। ऐसा जो यत्न करेगा वह श्रेष्ठ होगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। उपमा, वेदों में उपमाएं देकर विषय समझाया जाता है। वे उपमाएं ऐंद्रकांड में इस प्रकार हैं। गाय को जैसे घास संतोष देते हैं, उसी प्रकार ये स्तोत्र शक्तिमान इंद्र को संतोष देते हैं। जाल हाथ में लिए शिकारी जैसे पशु को खोजते हैं, उसी प्रकार हम तुझे इंद्र को खोजते हैं। नदियां जैसे समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार सब प्रजाएं इस इंद्र के उत्साह के आगे झुकती हैं। जैसे दुधारू गाय बछड़े के पास जाती है, उसी तरह हमारी ये स्तुतियां तुझे इंद्र के पास जाती हैं। उत्तम दूध देने वाली गाय को जिस प्रकार दूध दूहने के समय बुलाते हैं, उसी तरह अपने संरक्षण के लिए उत्तम रूप करने वाले इंद्र को रोज बुलाते हैं। जिस प्रकार द्युलोक विस्तीर्ण है, उस प्रकार इस इंद्र का बल विस्तृत है। जिस प्रकार कबूतर कबूतरी के पास जाता है, उसी प्रकार यह तेरे पास आता है। जिस प्रकार नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं, उस प्रकार ये सोमरस तुझे प्राप्त होते हैं। कारीगर को जिस प्रकार पोषण करने वाले अन्न मिलते हैं, उसी प्रकार बलवान इंद्र हमें धन देवें। अन्न उत्पन्न करने वाले जिस प्रकार कुएं के पानी से खेत को सींचते हैं, उसी प्रकार महान इंद्र को सोमरसों से सींचो। तरुण स्त्री का पति जिस प्रकार स्त्री के पास जाता है, उसी प्रकार इस सोम के पास तू आ, इसमें समान मन के आकर्षण का वर्णन है। सोम रस में पानी मिलाने के लिए लोग जिस प्रकार पानी के नहरों के पास जाते हैं, उसी तरह इस महान यज्ञ में तुझे लाने के लिए तेरे पास कब आएं। जिस तरह लोग न दूही गायों के पास जाते हैं, उसी तरह इस स्थावर व जंगम जगत के स्वामी और आत्मज्ञानी हम तुझे नम्र होकर कब मिलें। गौशाला में दुधारू गाय जिस तरह अपने बछड़े के पास जाती है, उसी प्रकार सुंदर और शत्रु को हराने वाले इंद्र के पास स्तुति करते हुए जाते हैं। उत्तम लकड़ी की धूरा को बढ़ई जिस प्रकार उत्तम बनाता है, उसी तरह बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्र को मैं प्रणाम करके अनुकूल बनाता हूँ। जाल हाथ में धारण करने वाले शिकारी जिस तरह रेगिस्तान को पार करके जाते हैं, उस प्रकार तू दुष्टों को पार करके आ।
जाल लिए हुए शिकारी जिस प्रकार पक्षियों को पकड़ते हैं उस प्रकार तुझे बीच में कोई भी न पकड़े। तू हमारे पास आ, अन्न लेकर जाने वाले रथ के समान मधुर स्तोत्र तेरे लिए बोले जाते हैं, वे तुझ तक पहुँचते हैं। जिस प्रकार प्यासा हिरण पानी से भरे हुए तालाब के पास जाता है उसी प्रकार तू हमारे पास जल्दी आ। भाग्यवान के समान यशस्वी धनवान तेरी हम आराधना करते हैं। जैसे पुत्रों को पिता शिक्षा देता है वैसे ही तू हमें भी शिक्षा दे। जैसे पानी सोम में मिलाया जाता है वैसे ही हम तुझे प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार किरणें सूर्य का सहारा लेती हैं उसी प्रकार सब विश्व इंद्र का आश्रय लेता है। पिता के धन के भाग को जिस तरह पुत्र पाने की इच्छा करता है उसी तरह हम अपने पिता के धन से हिस्सा मिले ऐसा चाहते हैं। बंधन में पड़े हुए को जैसे मुक्त किया जाता है उसी तरह हमें मुक्त कर। जैसे चक्र धूर्य के आधार पर रहते हैं उसी तरह पृथ्वी और द्यु ये दोनों ही लोक को वह आधार देता है। बांस जैसे ऊपर उठते हैं उस तरह तुझे उन्नत करते हैं। इंद्र की स्तुति गाकर इंद्र के यश को बढ़ाते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष को भर देता है उस प्रकार तेरी इंद्रिय की शक्ति तुझे भर दे। रथ में बैठने वाले वीर जैसे अपने इच्छित स्थान पर पहुंच जाते हैं उसी प्रकार हमारी स्तुतियां तुझे पहुंचती हैं। बछड़े के पास जैसे दुधारू गाय जाती है उस तरह तेरे पास हमारी स्तुति पहुंचती है। रथ को जैसे हम चलाकर अपने इच्छित स्थान को ले जाते हैं उसी तरह इंद्र को हम यज्ञ में लाते हैं। हम पाप से जैसे बचते हैं उसी तरह शत्रुओं से भी अपना बचाव करते हैं। पृथ्वी जैसे सबको आधार देती है उसी तरह हमारी स्तुति स्वीकार करती है। जैसे स्त्रियां अपने पति का आलिंगन करती हैं उस तरह अपने संरक्षण के लिए इंद्र को आत्मज्ञान युक्त अपनी स्तुति से प्राप्त होते हैं। उषा जिस प्रकार प्रकाश से विश्व को भर देती है उस प्रकार तू पृथ्वी और द्युलोक को अपने तेज से भर देता है। पर्वत के समान सबसे महान तू द्युलोक का स्वामी है। पानी लेकर जाने वाले मित्र जिस प्रकार पानी से खेलते हैं उसी तरह हम तेरे पास आते हैं। जिस प्रकार घास को सुंदर गायें प्राप्त करती हैं उसी तरह तेरी मित्रता के लिए हम तेरे पास आते हैं। पुत्र अन्न प्राप्ति के लिए जैसे पिता के पास जाते हैं वैसे ही हम तेरे पास आते हैं। जिस प्रकार महान वीर को युद्ध में बुलाते हैं उसी तरह तुझे अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। सूर्य जैसे अपनी किरणों से चमकता है उसी प्रकार सोमरस अपने तेज से चमकता है। हे इंद्र मनुष्यों का हित करने वाले तेरे वे अपूर्व कर्म द्युलोक में प्रशंसनीय हो गए हैं। राक्षसों के प्राण तू नष्ट करता है। सभी असुरों को तूने अपने सामर्थ्य से पराजित किया। सुभाषित सामर्थ्यशाली इंद्र की एक साथ स्तुति करो। शक्तिमान को सुख प्राप्त होता है। हे सैकड़ों कर्म करने वाले वीर तेरा आनंद निश्चय से तेज को बढ़ाने वाला है। तू शत्रु को हराने वाले बल और श्रेष्ठ सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। उसने भूमि को घुमाते हुए स्थापित किया है। तू अकेला ही धनों का स्वामी है। हे निर्भय वीर तुझे हम आनंदित करते हैं। सार्वजनिक हित के काम करने वाले बलवान और शत्रु पर शस्त्र को फेंकने वाले की मैं प्रशंसा करता हूँ। हे इंद्र ये सब तेरे अधीन हैं। जो तरुण मित्र है वह सुनीति से सुख लाता है। चारों ओर से शस्त्रों की मार करने वाले शत्रु हमारे ऊपर रात्रि के समय चढ़ाई न करें। यदि वैसा शत्रु आवे भी तो हम तेरी सहायता से उसे दूर करें। हमारे संरक्षण के लिए उपभोग के योग्य शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाले हमेशा शत्रु को हराने वाले श्रेष्ठ धन से हमें भर दें। हम बड़े तथा छोटे युद्धों में और घेरने वाले शत्रु के साथ होने वाले छोटे युद्ध में सहायता के लिए मित्र के समान इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। हजारों भुजाओं वाले राक्षसों के साथ होने वाले युद्ध में इंद्र का बल प्रकट होता है। सब शत्रुओं का नाश कर। बाधा करने वाले शत्रुओं को नष्ट कर। सुंदर धन हमें भरपूर दे। युद्ध में अद्भुत शूर वीरता वह दिखाता है। सब प्रजाएं इसके क्रोध के आगे झुकती हैं। देवों से प्राप्त होने वाले संरक्षण निश्चय से महान हैं। उन संरक्षणों को हम अपनी रक्षा के लिए स्वीकार करते हैं। हमें पुत्र पौत्रों को प्राप्त कराने वाले सौभाग्य दे। दुखकारक स्वप्न दूर हों।
वह बलवान तरुण मजबूत गर्दन वाला और किसी के आगे न झुकने वाला इंद्र कहाँ है? पर्वतों की उपत्यका और नदियों के संगम पर बैठकर बुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता है। मनुष्यों में सम्राट के समान शत्रु का पराभव करने वाले श्रेष्ठ नेता इंद्र की स्तुति करो। चंद्र के मंडल में सूर्य का प्रकाश चमकता है। मैंने पालन करने वाले सत्य की बुद्धि स्वीकार कर ली है, इस कारण से मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूँ। हमारी गायें बहुत दूध देने वाली होवें, सब उत्तम मनुष्यों को उत्तम प्रेरणा मिले। सब शत्रुओं के नाश करने वाले, सैकड़ों कार्य करने वाले, सब प्रजाओं में श्रेष्ठ इंद्र की स्तुति करो। अपने संरक्षण के लिए सुंदर रूप बनाने वाले इंद्र को रोज हम बुलाते हैं। तू सभी का स्वामी है, प्रत्येक कार्य में अपनी रक्षा के लिए इंद्र की प्रार्थना करते हैं। इंद्र महान और श्रेष्ठ है, वज्रधारी इंद्र को यश प्राप्त हो। द्युलोक के समान उसका यश विशाल है। तेजस्वी, विलक्षण और ग्रहण करने योग्य धन हमें दाएं हाथ से दे। सब शत्रुओं को एक साथ मारने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए अपने पास बुलाते हैं। हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, हमें कल्याणकारक अन्न और बल भरपूर दे। हमें तू ही सुखी करता है, हम कोई हानिकारक कार्य नहीं करते, हम कोई भी कार्य विरुद्ध नहीं करते। वेद मंत्रों में जो कहा है वही हम करते हैं। हे अथर्वा, यदि कोई दोष हो गया है तो सविता देव की स्तुति कर, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे इंद्र ने दधीच की हड्डियों से वृत्रों को मारा। तू अपने सामर्थ्य से शत्रु को हराता है, महान संरक्षण के साधनों के साथ हमारे पास आ। यह वायु शांति और सुखकारक औषधि हमारे पास लावे और हमारी आयु बढ़ावे। पवित्र करने वाली, अन्न देने वाली और बुद्ध से धन देने वाली यह विद्या की देवी है, वह हमें भरपूर धन दे। तेजस्वी और शत्रु जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे महान संरक्षण हमें मिलें। हे वज्रधारी इंद्र, हमें धन दे। ज्ञान से द्वेष करने वालों को मार, तेरी सहायता से ही यश मिलता है। हमारे द्वारा वर्ण किया हुआ इंद्र देव शूर है। हे इंद्र, तेरी अपेक्षा कोई भी महान नहीं है। कारीगरों का रक्षण करने वाला धन हमें दे। हमें अन्न प्राप्त हो इसलिए कारीगर दे। बलवान इंद्र हमें बल देवे। जो युद्धों में स्थिर रहता है तथा महाज्ञानी है, वह महान भय को दूर करता है। हे वृत्रनाशक इंद्र, तुझसे महान कोई नहीं है। सब लोगों को तारने वाले, शत्रु को नष्ट करने वाले, सबको समान सुख देने वाले इंद्र की मैं प्रशंसा करता हूँ। जिसका संरक्षण द्रोह न करने वाले देव करते हैं, वह मनुष्य उत्तम और नीति वाला होता है। सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं पर जय प्राप्त हो। इंद्र ने पानी के झाग से नमुच के सिर को फोड़ा। उत्पन्न होते ही इंद्र ने बाण हाथ में लिया और अपनी माता से पूछा कि कौन से वीर सुने जाते हैं। हमारे संरक्षण के लिए जो बाहुओं को फैलाता है और जो संरक्षण के साधनों को तैयार करता है, उस इंद्र को हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। तेरी ही मित्रता न टूटने वाली है। हम लोगों में नेतृत्व करने वाले बल को बढ़ा। सब शत्रुओं को एक साथ जीतने वाला सामर्थ्य हमें दे। शत्रु के साथ लड़ने वाला तू है। तू शूरवीर और युद्धों में स्थिर रहने वाला है। तेरा मन आराधना के योग्य है। इस स्थावर और जंगम जगत के स्वामी और आत्मज्ञानी तुझे हम नमस्कार करते हैं। सज्जनों के उत्तम पालन करने वाले तुझे युद्ध में सहायता के लिए हम बुलाते हैं। छोटे युद्धों में भी तुझे बुलाते हैं। बहुत धनवान इंद्र हजारों प्रकार से धन देता है। बाधक शत्रुओं को हराने वाले इंद्र को हम नमस्कार करते हैं। धनवान इंद्र को अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। एक जगह बैठकर जहां कर्म किए जाते हैं, वहां इंद्र हमारा मित्र और उन्नति करने वाला हो। तेरी बुद्धियां हमारी संरक्षण करें। एक स्थान पर बैठकर स्तुति करो, बार बार स्तुति करो। जो सदा बढ़ाने वाले, सबके द्वारा स्तुति किए जाने वाले, सामर्थ्य के कारण जो किसी से दबाया नहीं जा सकता, जो शत्रुओं को मारता है, उस इंद्र की जो उपासना करता है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। टूटी हुई संधियों को जोड़ने वाला, कटे हुए भागों को फिर ठीक करता है।
तेरे सिवाय दूसरा कोई भी सुख देने वाला नहीं है। बहुत बलशाली बहुत से वृत्रों को स्वयं ही केवल सब लोगों के हित करने के लिए अकेला ही तू मारता है। हे सामर्थ्यवान इंद्र, सब संरक्षण के साधनों के साथ तू सामर्थ्य वाला है, ऐश्वर्यवान, यशस्वी और धनवान तेरी आराधना हम करते हैं। जो धन तू असुरों से छीन कर लाया उनसे हमें बढ़ा, हमें अच्छी बुद्धि दे। जैसे पिता अपने लाडलों को शिक्षा देता है उसी प्रकार तू हमें शिक्षा दे, हम जीवित रहकर तेजस्विता प्राप्त करें। हमें दूर मत कर, तू हमारा संरक्षक है, तू हमारा भाई है, तू हमारे साथ बैठ, एक साथ सब बल हमें दे। पांच जनों की एकता से उत्पन्न होने वाले तेज हमें दे। दूर और पास के देशों में तू ही शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। हे इंद्र, तू दूर है और पास भी है, तीन मंजिलों वाला और तीनों ऋतुओं में सुखकारक, हमारे कल्याण के लिए उत्तम आश्रय देने वाला घर दे। सब जगत इंद्र के आश्रय में रहता है, उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों को अपनी शक्ति से बनाता है। ईश्वर की उपासना न करने वाला उस धन को प्राप्त नहीं कर सकता। हे इंद्र, कनिष्ठ और मध्यम धन तेरे ही हैं, श्रेष्ठ धन का तू अकेला ही स्वामी है। हे योद्धा, संग्राम करने वाले और शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाले वीर इंद्र, तू यहाँ आ। जो सब मनुष्यों का राजा, रथ से शीघ्र ही आगे जाने वाला, सब शत्रु सेना का नाश करने वाला और वृत्र को मारने वाला है, उस इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। जहाँ जहाँ से हम डरते हैं वहाँ से हमें निर्भय कर, हमारे संरक्षण के लिए शत्रुओं को दूर कर और द्वेष करने वालों का नाश कर। वह सामर्थ्यवान है, असुरों की बहुत सी नगरियों का नाश करने वाला और मुनियों का मित्र इंद्र है। तेरे जैसा महान पुरुष की महिमा ही वर्णन किया जाता है। तू अपने यश से महान है, जो घोड़े रखता है, रथ में बैठता है, उत्तम रूप वाला है, गायों को पालता है, धन और अन्न से युक्त है, ऐसा यह इंद्र आभूषणों को पहनकर सभा में जाकर बैठता है। सैकड़ों द्युलोक, सैकड़ों पृथ्वी, हजारों सूर्य अथवा जो कुछ भी पीछे उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, वे सब भी तेरी बराबरी नहीं कर सकते। हे सबको बसाने वाले इंद्र, उस तुझे कौन सा मनुष्य भय दिखा सकता है? तुझ पर श्रद्धा रखने वाला बलवान होता है। हे उत्तम मित्र, उत्तम मित्रों के साथ आ। जरा रहित शत्रु पर प्रहार करने वाले, कोई भी जिसका विरोध नहीं कर सकता, शीघ्र विजय प्राप्त करने वाले, प्रेरणा करने वाले, रथियों में श्रेष्ठ, जिसे कोई भी मार नहीं सकता, ऐसे इंद्र को यहाँ ला। शत्रुओं को एक साथ मारने वाले और सब मनुष्यों का हित करने वाले उस इंद्र को हम सहायतार्थ बुलाते हैं। हे हजारों उत्साह से कार्य करने वाले, बहुत धनवान और सज्जनों के पालक इंद्र, युद्ध में हमारा यश बढ़े ऐसा कर। तू अपनी शक्तियों से हमें रात दिन धन दे, तेरा दान कभी भी कम न हो, हमारा दान भी कभी कम न हो। विशेष अनेक कर्मों को धारण करने वाले वरुण की विशेष संरक्षण के लिए स्तुति करके वंदना करते हैं। गायों का रक्षण कर, इंद्र अपने रथ में घोड़े जोड़ता है, वज्र धारण करता है और सुनहरे रथ में बैठता है। हे वज्रधारी इंद्र, यदि बहुत धन प्राप्त हो तो भी मैं तुझे दूसरे को देने को तैयार नहीं। 10,000, 1,000 अथवा 100 मिले तो भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। हे इंद्र, मेरे पिता की अपेक्षा तू अधिक धनवान है। भोग न भोगने वाले मेरे भाई से भी तू अधिक धनवान है। मेरी माता तेरे समान है, धन और अन्न के लिए महान बना। बहुत बड़े पर्वत भी तुझे अपने कर्तव्य से डिगा नहीं सकते। तू जो धन देने की इच्छा करता है उस तेरे दान को कोई भी रोक नहीं सकता। यह शिरस्त्राण धारण करने वाला इंद्र अपनी शक्ति से शत्रु के नगरों को तोड़ता है। तू शासन करता है, इसलिए हमारे स्थान से दुराचारियों को दूर कर। तू कभी भी बांझ गाय के समान नहीं होता। तेरे जैसे देव के दान बहुत होकर हमारे पास आकर बढ़ते हैं। यह इंद्र अपनी शक्ति से धन प्राप्त करने वाला है। दानशील को रत्न और धन दे, क्या हमेशा मांगते रहने के कारण
तू मुझसे नाराज हो गया है, अपने स्वामी से भला कौन नहीं मानता। बलवान घोड़े को रथ में जोड़ लिया है और वृत्र को मारने वाला आ गया है। महान इंद्र इच्छा करने वाले छोटे को भी वह धन भरपूर दे। बहुत धनवान वह इंद्र प्रत्येक युद्ध में सहायता के लिए बुलाने योग्य है। तू जितने धनों का स्वामी है उतने मुझे मिलें, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। पापी होने में मैं तैयार नहीं। तू युद्ध में सभी शत्रुओं का नाश करता है, तू दुष्टों का नाश करता है, शत्रु के लिए आपत्तियों को पैदा करने वाला है, तू विघ्न करने वालों को नष्ट करता है, तू सब विश्व में व्याप्त है, तू हमारा रक्षक और हमें बढ़ाने वाला है। धन दे, जब तूने दानवों को मारा हमें उत्तम धन दे, तुझसे संरक्षित हुए हम स्वयं ही धन कमाएं। हे धनों के स्वामी, धन की इच्छा करने वाले हम तुझे दाएं हाथ से पकड़ते हैं। हे शूर, अनेक प्रकार के बल बढ़ाने वाले धन दे, जब संकटों से पार होने के लिए बुद्धिपूर्वक काम किए जाते हैं तब युद्ध के समय लोग इंद्र को मदद के लिए बुलाते हैं। तू शूर मनुष्य को धन देने वाला बल से तेजस्वी है, पाशों से बधे हुए हमें मुक्त कर। महान वीर शक्तिमान और शीघ्र कार्य करने वाले वज्रधारी स्थिर ऐसे इंद्र के लिए अद्भुत स्तुति करो। आक्रमण करने वाला कृष्ण असुर 10,000 सैनिकों के साथ अंशुमति नदी पर आया, पर अपने बल से जग को भय देने वाले उस असुर पर इंद्र ने आक्रमण किया और उसकी हिंसक सेना को भी मार डाला। सब शत्रु सेनाओं पर तू जय प्राप्त करता है। देवों के यश को प्रकट करने वाले काव्य को देख, जो आज मर गया वही कल पहले के समान कार्य करने लगता है। तू उत्पन्न होते ही शत्रुओं से रहित उन 7 असुरों का शत्रु हुआ। तू ही अंधकार में पड़े हुए द्यावा पृथ्वी को प्रकाश में लाया, वैभवशाली भुवनों को और अधिक सुंदर बनाया। प्रशंसनीय और शत्रुनाशक तू हमें विजयी करता है। वृत्र को मारने वाले तेजस्वी, अनेक शत्रुओं का नाश करने वाले बलवान, युद्ध में स्थिर रहने वाले वज्रधारी शत्रुनाशक, ऐसे तुझ इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। धन प्राप्त होने वाले इस युद्ध में उत्साही धनवान इंद्र को अपने मदद के लिए बुलाते हैं। प्रार्थना सुनने वाले उग्रवीर, युद्ध में वृत्र का नाश करने वाले, धनों को जीतने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। बलवान, देवों से सेवित, सामर्थ्यवान, रथों को संग्रामों में पार करने वाले, तेज अस्त्र पास में रखने वाले, शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने वाले शीघ्रगामी सुपर्ण को अपने कल्याण के लिए हम बुलाते हैं। दुखों से पार करने वाले, संरक्षण करने वाले, प्रत्येक युद्ध में सहायतार्थ बुलाने योग्य इस शूर और बलवान इंद्र को हम बुलाते हैं। दाएं हाथ में वज्र को धारण करने वाले, तेज दौड़ने वाले, घोड़ों के रथ में बैठने वाले इंद्र को हम यज्ञ में बुलाते हैं। वह अपनी दाढ़ी और मूछों को हिलाते हुए सबसे श्रेष्ठ हुआ है। अपनी सेना से शत्रु को भय दिखलाकर धन लेता है। हम एक साथ अनेक शत्रुओं को मारने वाले, शत्रु को भयभीत करने वाले, शत्रुओं को भगाने वाले महान अपार बलवान उत्तम वज्रधारी इंद्र की प्रशंसा करते हैं। वह इंद्र वृत्र को मारने वाला, अन्न देने वाला उत्तम धनवान है। वह भक्तों को धन देता है। जो शत्रु हमें मारने की इच्छा करता हुआ हम पर चढ़ाई करता हुआ आता है, जो घमंडी विनाशक शस्त्रों को लेकर तेज से सेना के साथ चढ़ाई करता है, उसे हम तेरे संरक्षण से रक्षित होकर बलवान मन से युक्त होकर पराजित करें। सर्वज्ञानी ठीक समय पर पहुंचने वाला सबसे पहले पहुंचने वाले इंद्र को भरपूर सोम दे। कठोर भाषण मत करो। बहुत पराक्रमी शत्रुओं का पराभव करने वाले सज्जनों के पालक इंद्र को हम लाते हैं। उस उपकार करने वाले बल के स्वामी, सब शत्रुओं को हराने वाले शक्तिमान सर्वज्ञ नेता की मैं स्तुति करता हूँ। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला तरुण कवि, अपरिमित सामर्थ्य वाला, सब कर्मों को धारण करने वाला बहुतों से प्रशंसित इंद्र है। हे मनुष्यों, तुम इंद्र का सत्कार करो।
खूब सत्कार करो। शत्रु को हराने वाले इंद्र का सत्कार सभी करें। बहुतों से शत्रुओं को हराने वाले इंद्र के यश प्रकट करने वाले स्तोत्र गावो। सब शत्रु सेनाओं पर आक्रमण करने वाले, शत्रु के आगे कभी न झुकने वाले सामर्थ्य के स्वामी को मैं बुलाता हूँ। वह महान दिव्य संरक्षणों से युक्त होकर सब शत्रुओं को दूर करता है। हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, बहुत धनों के तेरे दान बहुत महान और विशाल हैं। हे सर्वद्रष्टा, उत्तम दान देने वाले इंद्र, हमें धन देकर महान कर। हम शत्रुओं को मारने वाले उग्रवीर, सामर्थ्यवान, प्रतापी और शीघ्रता से कार्य करने वाले इंद्र की स्तुति करते हैं। वह पुराण पुरुष इंद्र शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले नए वीरों को अकेला ही विजय के मार्ग से ले जाता है। हमारी बहुत सी स्तुतियां मनुष्यों का धारण पोषण करने वाले, बढ़ाने वाले अमर इंद्र की प्रशंसा करती हैं। हमारे संरक्षण के लिए पवित्र करने वाले इंद्र की, आत्मशक्ति बढ़ाने वाली, उन्नत की इच्छा करने वाली हमारी स्तुति प्रशंसा करती है। उस शत्रु का पराभव करने वाले धन के समुद्र इंद्र को स्तुति से आनंदित करो। जिसके मनुष्य के लिए हितकारी कार्य द्युलोक के समान सब जगह फैले हुए हैं। भोग प्राप्ति के लिए महान ज्ञानी इंद्र की आराधना करो। जिस इंद्र ने कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों को मारा, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले बलवान इंद्र को अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम बुलाते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तेरे उस बलवान युद्ध में शत्रुओं का पराभव करने वाले, सब लोगों का हित करने वाले आनंद की मैं प्रशंसा करता हूँ। जो अकेला ही इंद्र सब शत्रु सेनाओं का विनाश करता है, जो अकेला ही दान देने वाले मनुष्य को धन देता है, जिसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता, ऐसा इंद्र सबका ईश्वर है। मैं श्रेष्ठ वीर और शत्रु का पराभव करने वाले इंद्र की स्तुति करता हूँ। अपने सामर्थ्य से तू वृत्र को मारता है। हे सब शत्रुओं को जीतने वाले, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसे इंद्र तू सब ओर से विशाल और द्युलोक का स्वामी है। तू हमारे पास आ, खाऊ शत्रुओं को तू मारता है, अतः तेरी हम प्रार्थना करते हैं। महान आदित्य हमारे पुत्र पौत्रों को जीने के लिए दीर्घायु करें। हे वज्रधारी इंद्र, विघ्न दूर करने के मार्ग तू जानता है। प्रतिदिन स्वच्छता रखने वाला रोगों को दूर करता है। हे आदित्यों, रोग, शत्रु, दुष्ट बुद्धि, पाप, इन सबको हमसे दूर करो। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है। तेरा नेता कोई नहीं है और भाई भी कोई नहीं है। तू युद्ध से ही कोई भाई मिले ऐसी इच्छा करता है। जिसने हमें पहले भी धन दिया, उस इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। बलवान और शत्रु को झुकाने वाले वीरों, हमसे दूर मत रहो। क्रूर कर्म करने के कारण लंबी सांसें लेते हुए शत्रु को तेरी सहायता से हम ठीक जवाब दें। तू हमें सामर्थ्य और धन भरपूर दे और शत्रु सेना को पराजित करने वाला पराक्रम भी हमें दे। स्वराज्य के संरक्षण की दृष्टि से पृथ्वी के अहिनामक शत्रु पर तूने शासन किया। उससे बड़े और छोटे संग्रामों में संरक्षण के साधन मांगते हैं। वह युद्धों में हमारा संरक्षण करे। हे वज्रधारी इंद्र, तेरा पराक्रम अजेय है। अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए कपटी वृत्र को तूने कपट से ही मारा। शत्रु पर आक्रमण कर, चारों ओर से आक्रमण कर और उसका नाश कर। तेरा वज्र किसी से भी रोका नहीं जा सकता। तेरे बल शत्रु को झुकाने वाले हैं। स्वराज्य की अर्चना करने के लिए शत्रु को मार और जल जीत कर अपने अधिकार में ले। जब युद्ध शुरू होता है, तब शत्रु को जीतने वाले को धन मिलता है। तू किसको मारता है, किसको धन में स्थापित करता है, अर्थात किसे धन देता है? हमें सत्य बोलने वाला कब करेगा, कब धन दान देगा? स्तुति करने वालों को भरपूर धन दे। हमारे मन, बल, कर्म और कल्याण प्राप्त हों, इसलिए प्रेरित कर। शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र ने अपने दोनों हाथों में फौलाद के वज्र को धारण किया। जिसको समान विचार और मन वाले देव शत्रुओं से दूर करके उन्नति के रास्ते ले जाते हैं, उस मनुष्य को पाप नहीं लगता और दुर्गति उसके पास फटकती भी नहीं। सामर्थ्यशाली तू शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए आ। हमारे ऋणों को दूर करने वाला तू शत्रुओं से पार होने के लिए शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए जाता है। हे चारों ओर से शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र, चारों ओर से हमें भरपूर
भरपूर धन दे, यह इंद्र ज्ञानी है। त्वष्टा ने तेजस्वी वज्र तैयार किया। धन से यज्ञ करने वाले शांति, उत्तम स्थान और धन प्राप्त करते हैं। जो व्रत का पालन नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता। गायें हमेशा शुद्ध रहती हैं। तरुण और प्रसिद्ध इंद्र सब शत्रुओं को मारता है। हे अग्ने, तू हमारे पास कल्याण करने वाला और संरक्षक है। सब शत्रुओं का नाश करने वाला यह इंद्र है। उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर हम 100 वर्ष तक आनंद से रहें। हमारे अन्न को पुष्टिकारक बना। इंद्र सब विश्वों पर राज्य करता है। हम धनवान, उग्रवीर, बहुत बल धारण करने वाले, शत्रुओं से कभी पराजित न होने वाले उस इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। वज्रधारी इंद्र धन प्राप्ति के सब मार्ग सुगम करता है। इस प्रकार इस ऐन्द्र कांड में सुभाषित हैं अथ पावमानम कांडम। अथ पंचमोध्यायः प्रथमः खण्डः। हे सोम, तेरे इस अन्न रूपी रस का जन्म ऊंचे द्युलोक में हुआ है। द्युलोक में होने वाले प्रभावशाली सुख और महान अन्न भूमि पर प्राप्त होते हैं। तुझ सोम का जन्म द्युलोक में ऊंचे स्थान पर हुआ है। वहां से महान सुख और उत्तम अन्न पृथ्वी पर हमें प्राप्त होते हैं। हे सोम, इंद्र के पीने के लिए निकाला गया यह रस रूप तू स्वादिष्ट और हर्ष उत्पन्न करने वाली धारा से प्रवाहित हो। इंद्र के पीने के लिए यह रस निकाला गया है। वह रस स्वादिष्ट और हर्ष बढ़ाने वाला है। हे सोम, बलशाली धारा से तू कलश में आ और मरुत जिसकी सहायता करते हैं उस इंद्र के लिए सब सामर्थ्य से युक्त होकर आनंद बढ़ाने वाला हो। जोर के प्रवाह से वर्तन में रस पड़े। इंद्र के मदद के लिए मरुत आते हैं। सब सामर्थ्यों को धारण कर आनंद बढ़ाने वाला हो। सोम रस पीने से शक्ति और आनंद बढ़ता है। हे सोम, तेरा जो देवों को बुलाने वाला, पापी और दुष्टों का नाश करने वाला, श्रेष्ठ आनंद देने वाला जो रस है, उस अन्न रूप रस के साथ कलश में तू आ। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों के मंत्र बोले जाते हैं। दुधारू गायें दूध दूहने के लिए शब्द करती हैं। हरे रंग का सोम शब्द करता हुआ छाना जाता है। हे सोम रस अत्यंत मीठा तू यज्ञ के मध्य भाग में बैठने के लिए मरुत जिसकी सहायता करते हैं उस इंद्र के लिए कलश में जा। पर्वत पर होने वाले सोम का रस आनंद प्राप्ति के लिए निचोड़ा है। पानी में मिलकर वह बढ़ा है। शेन पक्षी के समान अपने स्थान पर वह जाकर बैठा है। पर्वत पर सोम लता होती है, उसका रस निकाला है। पानी में मिलकर वह बढ़ा है, वह बल बढ़ाने वाला हो गया है। शेन पक्षी जैसे पर्वतों से उड़कर अपने स्थान पर आता है, उसी प्रकार यह सोम पर्वत से यहाँ यज्ञशाला में आया है। हे हरे रंग के सोम, बल बढ़ाने का साधन तू आनंददायक देवों और मरुतों के पीने के लिए इस वर्तन में आ। सोम हरे रंग का होता है, बल बढ़ाने का यह साधन है। आनंद बढ़ाने वाला सोमरस है, यह देवों के पीने में आता है, वह छाना जाता है। सोम रस छलनी से नीचे गिरता है। यह सोम पर्वत पर होता है, वहां से लाकर इसका रस निकाला जाता है। आनंद देने वालों में तू सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा स्वयं बलवान यह सोम सोमरस निकालने के 2 तख्तों के बीच में रखा जाता है। वे द्युलोक के प्रिय पक्षी अर्थात पहाड़ के पत्थर रस निकालने के लिए उसके ऊपर चलते हैं। सोम पत्थरों से पीसा जाता है। सोम बुद्धि और कार्य करने की शक्ति बढ़ाता है। 2 लकड़ी के पट्टों के बीच में सोम रखा जाता है और दबाकर उसका रस निकाला जाता है। पहाड़ के पत्थर, द्युलोक के पक्षी, रस पिलाने वाले याजक पत्थरों से सोम पीसकर उसका रस निकालते हैं। यहाँ प्रथम खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः आनंद बढ़ाने वाले सोम रस निचोड़े गए हैं। हवि देने वाले हमारे इस यज्ञ में अन्न और यश के लिए वे रस पात्र में भरे गए हैं। बुद्धि को बढ़ाने वाले सोमरस पानी के लहरों के साथ मिलाए जाते हैं। भैंसे जैसे वन में जाते हैं उसी तरह वे सोमरस पानी में मिलाए जाते हैं। सोम बुद्धि और उत्साह बढ़ाने वाला है। पानी की लहर पानी में वे रस मिलाए जाते हैं।
पशु जैसे वन में जाते हैं उसी तरह वे रस पानी में जाते हैं, विशेष पद्धति से वे पानी में मिलाए जाते हैं। हे सोम, निचोड़ा गया और बल बढ़ाने वाला तू पवित्र हो, लोगों में हमें यशस्वी कर और सब शत्रुओं को हरा। हे सोम, निश्चय से तू बल बढ़ाने वाला है। हे पवित्र होने वाले सोम, सबको देखने वाले, तेज से चमकने वाले, तुझे हम बुलाते हैं। निश्चय से तू बल बढ़ाने वाला है, छनकर पवित्र होने वाला, छानने के बाद वह सांप होता है, अपने आप चमकने वाला, तेज से चमकने वाले, तुझे हम बुलाते हैं, तेरा वर्णन करते हैं। उत्साह बढ़ाने वाला प्रिय सोमरस ज्ञानी लोगों की स्तुति के साथ बर्तन में छाना जाता है। रथ का स्वामी जैसे घोड़ों को चलाता है उसी प्रकार यह पात्र में भरा जाता है। उत्साह बढ़ाने वाला होने के कारण यह सोमरस सभी को अच्छा लगता है। ज्ञानी लोगों के स्तोत्र के साथ साथ यह छाना जाता है और बर्तन में भरा जाता है। रथ में बैठने वाला जिस प्रकार घोड़े को हांकता है उसी प्रकार यह सोमरस पात्रों में भरा जाता है। बल बढ़ाने वाले और उत्साह बढ़ाने वाले और चमकने वाले सोमरस गाय, घोड़े और वीर पुत्रों की इच्छा करने वालों के द्वारा निचोड़े जाते हैं। ये सोमरस बल और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। गाय, घोड़े और वीर पुत्र प्राप्त हों इस इच्छा से यजमान द्वारा रस निकाला जाता है। हे सोम, तू चमकने वाला है, अब पात्र में छनने के लिए जा। तेरा यह आनंद बढ़ाने वाला रस सबके साथ इंद्र के पास जावे। अपनी धारक शक्ति से वायु से मिल, तू चमकते हुए छाना जाकर साफ हो। तेरा यह आनंद बढ़ाने वाला रस सबके साथ इंद्र को प्राप्त हो। अपनी धारक शक्ति से वह वायु को प्राप्त होवे। सोमरस शुद्ध होने के बाद इंद्र और वायु को दिया जाता है। पवित्र हुए इस सोमरस ने द्युलोक में दिखने वाले महान वैश्वानर तेज को बिजली के समान उत्पन्न किया। सोमरस छनकर शुद्ध हो जाने पर चमकने लगता है। उसको देखकर देखने वाले समझते हैं कि मानो बिजली ही चमक रही है। निचोड़े जाने के बाद ये सोमरस मधुर स्तोत्रों के साथ तथा इस मीठे रस की धारा के साथ आनंद बढ़ाने के लिए छाननी से छाने जाते हैं। सोमरस निकालते हुए ऊंची आवाज से स्तोत्र बोले जाते हैं और उस समय यह मीठे रस की धारा पीने वाले का आनंद बढ़ाने के लिए बर्तन में छोड़ी जाती है और छाननी से छानी जाती है। सिंधु नदी के लहर में मिला हुआ अनेकों से प्रशंसनीय स्तुति करने वाले यज्ञकर्ताओं को धारण करने वाला यह सोम पात्र में टपकता है। ज्ञान बढ़ाने वाला यह सोम रस नदी के पानी में मिलाया जाता है। इसमें पानी मिलाया जाता है। प्रशंसनीय याजक एक स्थान पर बैठते हैं। यज्ञ मंडप में सभी याजक बैठते हैं। यह सोम छाननी से छाना जाता है। छाननी का नाम दशा पवित्र है। इस दशा पवित्र से यह रस नीचे बर्तन में पड़ता है। यहाँ द्वितीय खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड, उत्तम रीति से तैयार किए हुए पानी में मिलाए हुए शत्रु को मारने वाले गाय के दूध में मिले हुए सोम रस के पास देव पहुंचे। सोम रस निकालने के बाद उसमें पानी मिलाया जाता है। उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है और यह शत्रु को मारने वालों का उत्साह बढ़ाने वाला होता है। उसके पास सोमरस पीने की इच्छा से देव आते हैं। ज्ञान बढ़ाने वाला पवित्र हुआ सोमरस सब शत्रुओं पर आक्रमण करता है। उस ज्ञान बढ़ाने वाले सोम को ऋत्विक स्तोत्रों से सुशोभित करते हैं। सोमरस पीने के बाद उत्साह बढ़ता है। उस रस को छानकर पीने से सब शत्रुओं पर आक्रमण करने का बल बढ़ता है। उस सोमरस को निकालने के समय मंत्र बोले जाते हैं, इस कारण वे और अधिक सुशोभित होते हैं। सोमरस निकालने के बाद कलश में भरने के समय सब शोभाओं को बढ़ाने वाला यह सोमरस इंद्र के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार रथ का घोड़ा छोड़ा जाता है उस प्रकार दो लकड़ियों के पट्टों से निचोड़ा गया यह सोमरस छानने के बर्तन में छोड़ा जाता है। इस प्रकार यह बलवान सोमरस देवों को आकर्षित करने लगता है और बर्तन में भरा रहता है। जो शीघ्रता करने वाले तेजस्वी और गति करने वाले सोम अपनी काली चमड़ी को दूर करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। गायें जिस प्रकार बाड़े में जाती हैं उसी प्रकार सोमरस यज्ञ में जाता है
और यज्ञ करता है। सोमरस के ऊपर की काली पपड़ी रस को छानने से दूर हो जाती है और वह सोमरस छलनी से नीचे रखे बर्तन में छाना जाता है। वहां से वह यज्ञशाला में जाता है और याजकों को आगे कार्य करने के लिए प्रवृत्त करता है। हे सोम, आनंद बढ़ाने वाला और यज्ञ की पद्धति जानने वाला तू शत्रुओं को दूर करते हुए पवित्र होता है। तू देव की भक्ति न करने वाले मनुष्य को दूर कर, देव की भक्ति न करने वाले मनुष्य को दूर कर, शत्रु को नष्ट कर, तुझे शुद्ध किया जाता है, तुझे छाना जाता है। हे सोम, मनुष्यों के लिए हितकारी पानी को प्रेरणा देते हुए जिस प्रकार तूने सूर्य को प्रकाशित किया, उसी धारा से नीचे के बर्तन में छनता हुआ तू जा। पानी मनुष्य का हित करने वाला है। उस पानी को सोम रस में मिलाया जाता है, तब वह रस और अधिक चमकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह सूर्य को भी प्रकाशित करता हो। ऐसा यह सोम रस नीचे के पात्र में छाना जाता और भरा जाता है। हे सोम, महान जल प्रवाहों को अपने अधिकार में रखने वाले वृत्र को मारने के लिए इंद्र को उत्साहित कर और वह तू नीचे के बर्तन में छनता जा। वृत्र ने जल प्रवाहों को रोक दिया था। इंद्र ने वृत्र को मारकर जल बहाया। इस इंद्र का उत्साह सोम पीने से ही बढ़ा था। वृत्र का अर्थ है मेघ। इंद्र मेघों को तोड़ता है और पानी बहाता है, बरसात होती है। हे सोम, इस प्रकार इंद्र को सोम पिलाने के लिए तू कलश में छन। तेरा यह रस संग्राम में शत्रु के 99 नगरों को तोड़ने के लिए इंद्र को सामर्थ्यशाली बनाता है। तेजस्वी और देने योग्य धन को और बल को अपने अन्न रूपी रस से हमें बढ़ा तथा रस निकालने के बाद साफ होकर पात्र में भरा रह। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खण्डः। बलवान और हरे रंग का तथा महान मित्र के समान दर्शनीय सोम शब्द करता है और सूर्य के समान प्रकाशित होता है। सोम रस चमकता है और उसके रस निकालने का शब्द भी होता है। हे सोम, तेरे सुख देने वाले, धन आदि देने वाले, शत्रुओं से रक्षा करने वाले और अनेक लोगों द्वारा चाहने योग्य बल को हम आज धारण करते हैं। हे अध्वर्यु, पत्थरों से कूट कर निकाले गए सोम रस को छानने के बर्तनों के पास ला। इंद्र को पिलाने के लिए उसे छान कर पवित्र कर। सोम रस रूपी अन्न रस की धारा आनंद देने वाली है। वह सोम नीचे भावों से दूर रहता है और वह प्रगति करता है। सोम रस पीने के बाद उत्साह बढ़ता है और उस कारण वह उत्तम काम करने लगता है। हे सोम, हजारों प्रकार से उत्तम शक्ति बढ़ाने वाले धन हमें दे और हमें अन्न दे। प्राचीन लोगों ने नवीन उत्तम स्थान प्राप्त किया और तेज को प्राप्त करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी सोम को उत्पन्न किया। सूर्यः, सूर्य के समान तेजस्वी दिखने वाले सोम रस को निकाला। हे सोम, अत्यंत तेजस्वी तू पात्र में शब्द करता हुआ छनता जा और तू वन में और यज्ञशाला में रह। सोम रस को छानते समय शब्द होता है, उस समय वह बहुत चमकता है। वनों में यज्ञशालाएं बनाते हैं, उसमें यह सोम रस तैयार किया जाता है। हे सोम, तू बलवान और तेजस्वी है। हे सोमदेव, तू बलवान और बल बढ़ाने के व्रत का पालन करने वाला है। बल बढ़ाने वाले धर्मों को तू धारण करता है। हे सोम, ज्ञानी ऋत्विजों द्वारा छाना हुआ तू अन्न रस की प्राप्ति के लिए धारा से छनता जा, तेज से गायों को प्राप्त हो। ऋत्विज रस निकालते हैं और वह रस छाना जाता है। बाद में गाय प्राप्त हो, गाय का दूध उसमें मिलाते हैं। गाय को प्राप्त होने का अर्थ है सोम में गाय का दूध मिलाना। यह सोम रस चमकता है। हे सोम, बल बढ़ाने वाला, देवताओं को प्राप्त होने वाला, हमें मिलने वाला, संरक्षण करने वाला तू बालों की छाननी से आनंद देने वाली धारा से शुद्ध हो। बालों की छाननी दशा पवित्र, इस छालनी से सोम रस छाना जाता है, छान कर देवों को पीने के लिए दिया जाता है, बाद में ऋत्विज भी पीते हैं। हे सोम, इस उत्तम कार्य से तू सम्मान के योग्य होकर महान होता है।
आनंद देकर बल बढ़ाता है, सोम स्वयं सम्माननीय है और वह दूसरों को भी अधिक बलवान करता है। विशेष ज्ञान बढ़ाने वाला पात्र में भरा हुआ और शुद्ध किया हुआ यह सोमरस जल से मिश्रित होकर बहुत अन्न देता हुआ प्रसिद्ध होता है। हे सोम, हमें बहुत धन मिले इसलिए तू कलश में छाना जाता है। अयास्य ऋषि अब तेरी लहरों को धारण करते हुए देवों की पूजा करने के लिए जाता है। अयास्य ऋषि ने सोमरस छान लिया है और अब वह आगे यज्ञ कर्म करने के लिए जाता है। सोम शत्रुओं को मारता है, दान न देने वालों को भी मारता है और इंद्र के स्थान के पास जाता हुआ छनता है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे सोम, पवित्र होते हुए पानी से मिलते हुए धारा से तू नीचे के बर्तन में गिरता है। रत्न धन देने वाला तू यज्ञ के स्थान पर जाकर बैठता है और प्रकाशित होकर चमकते हुए बहता है। जो यह सोम है वह उत्तम हवि है, वह मनुष्यों का हित करने वाला है, जो पानी में मिला हुआ है। ऐसा यह सोम का रस पत्थरों से कूटकर यजमान द्वारा निकाला जाता है। हे ऋतुजों, इस सोम रस में पानी मिलाओ। हे सोम, तेरा पत्थरों से कूट कर निकाला हुआ रस भेड़ों के बालों की छाननी से नीचे के पात्र में छाना जाता है। हरे रंग का यह रस बर्तन में नगरी में पुरुष जैसे प्रवेश करते हैं उस प्रकार प्रविष्ट होता है और बर्तन में अपने स्थान पर रहता है। जंगल जंगल में होने वाले वृक्षों की लकड़ी लकड़ी के बर्तन। हे सोम, तू देवों को पीने के लिए सिंधु नदी के समान पानी से मिश्रित किया जाता है। तू आनंददायक होने के साथ साथ जागृति उत्पन्न करने वाला भी है। तू बर्तन में पानी से मिलकर मीठे रस को उढ़ेलने वाले बर्तन में जा। रस निचोड़ने वाले याजकों के द्वारा निचोड़ा गया सोम रस बकरी के बालों की बनी छननी से शुद्ध होकर नीचे बर्तन में पड़ता है। यह सत्य है, घोड़े के समान हरे रंग की धारा से यह सोम बर्तन में जाता है, आनंददायक धारा से यह बर्तन में जाता है। हे सोमरस, तेरी मित्रता में प्रतिदिन मैं आनंदित होऊं। हे सोम, बहुत से दुष्ट मनुष्य मुझे कष्ट देते हैं, उन दुष्टों को नष्ट कर। हे उत्तम, हाथों की अंगुली से निकाले गए सोम, पवित्र करने वाला तू नीचे पानी के बर्तन में पड़ता हुआ शब्द करता है। हे शुद्ध होने वाले सोम, तू पीले रंग के बहुत चाहने योग्य धन देता है। मनुष्यों का हित करने वाले, ज्ञान बढ़ाने वाले, आनंद देने वाले, छाननी से नीचे गिरने वाले सोमरस पानी से भरे हुए कलसे में आनंद देने वाले अपने रस को साफ करके छोड़ते हैं। उत्साही प्रिय और शुद्ध होने वाला तू बकरी के बालों की छलनी से नीचे गिरता है। हे अंगिरसों में श्रेष्ठ सोम, तू ज्ञानी हुआ है, अतः अब तू हमारे यज्ञ को मधुर रस से पवित्र कर। आनंददायक निचोड़ा हुआ सोम मर्तों के साथ रहने वाले इंद्र के लिए शुद्ध होता है। बाद में वह अनेक धाराओं से बकरी के बालों की छलनी से छनता है, उसे ऋतुज शुद्ध करते हैं। हे सोम, सब स्तोत्रों से पवित्र हुआ और मुख्य रूप से अन्न प्राप्त करने वाला तू शुद्ध हो। हे सोम, देवताओं को आनंद देने वाला तू पानी के बीच में मिलकर विशेष गुण धर्मों से युक्त होकर श्रेष्ठ यज्ञ में पवित्र हो। मरुतों से युक्त आनंद देने वाले, इंद्र को चाहने वाले, स्तुति और अन्न को सामने रखने वाले, यज्ञ में जाने वाले और शुद्ध होने वाले सोमरस धारा के रूप में छाननी में से नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे सोम, तू शीघ्र जा और बर्तन में जाकर रह। याजकों के द्वारा शुद्ध किए जाने के बाद अन्य यजमानों को दे। बलवान घोड़ों को जैसे शुद्ध करते हैं उसी प्रकार तुझे शुद्ध करने वाले ऋत्विज अंगुलियों से यज्ञ स्थान के पास तुझे ले जाते हैं। उष्णा ऋषि के समान स्तोत्र बोलने वाला स्तोता देवों के जन्म वृतांतों का वर्णन करता है। महान व्रत करने वाला, शुद्ध तेज से युक्त और शुद्ध करने वाला उत्तम श्रेष्ठ दिन में निकला हुआ सोमरस शब्द करते हुए पात्र में जाता है। हवि ले जाने वाला यजमान ऋक, यजु, साम इन तीनों से स्तुति करता है। यज्ञ को धारण करने वाली ज्ञान से की गई स्तुति वह बोलता है। बैल के पास जैसे गायें जाती हैं
उसी प्रकार परीक्षा करने वाले, इच्छा करने वाला तथा स्तुति करने वाले सोम के पास जाते हैं। इस यज्ञ का प्रेरक सुवर्ण से पवित्र हुआ दिव्य सोमरस देवों को दिया जाता है। निचोड़ा हुआ यह सोमरस छाननी से बर्तन में गिरता है। हवन और यज्ञ करने वाला तथा गायों को रखने वाला जैसे यज्ञशाला में जाता है, उसी तरह सोमरस बर्तन में छाना जाता है। सोने की अंगूठी पहने हुए हाथों से सोमरस निकाला जाता है। बुद्ध को उत्पन्न करने वाला, द्युलोक को उत्पन्न करने वाला, पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला, अग्नि को उत्पन्न करने वाला, सूर्य को उत्पन्न करने वाला, इंद्र को उत्पन्न करने वाला और विष्णु को उत्पन्न करने वाला सोम पवित्र किया जा रहा है, छाना जा रहा है। सोम याग प्रारंभ होने पर देव आते हैं, इसलिए सोम को यहाँ देवों का लाने वाला या प्रेरक बताया है। उसी को अलंकारिक भाषा में देवों को उत्पन्न करने वाला कहा है। तीन स्थानों में रहने वाले बलवान और अन्नदाता सोम की ऊंचे स्वर से स्तोता की वाणियां स्तुति करती हैं। जैसे पानी में वरुण रहता है, उसी तरह पानी में मिला हुआ सोम रत्न और धन स्तोताओं को देता है। जल में मिला हुआ गायों का पालन करने वाला, बल बढ़ाने वाला, रस निकाला हुआ सोम पहले प्रजाओं को उत्साह देते हुए, प्रजाजनों की उन्नति करते हुए सबसे श्रेष्ठ हो गया है। गाय का पालन करने वाला सोम रस में गौ दूध मिलाते हैं, इसलिए सोम गौओं को पालने वाला है। भुवन में प्राणियों का उत्साह बढ़ाता है, प्रजाओं में शक्ति बढ़ाता है। रस निकाले जाने वाला हरे रंग का सोम शब्द करता है, छानते समय उसका शब्द होता है। पवित्र किया जाता हुआ वन की लकड़ी से तैयार किए गए बर्तन में पड़ता हुआ मनुष्यों को दबाकर निकाला गया सोम गाय के दूध का रूप धारण करता है। गौ दुग्ध में वह मिलाया जाता है। इसकी स्तुति हविष्यान्न के साथ यज्ञकर्ता करते हैं। हे इंद्र, बल बढ़ाने वाले, तेरा यह वह सोम मीठा और बलवान होकर बर्तन में टपकता है। उसी प्रकार वह हजारों और सैकड़ों और बहुत सा धन देने वाला बलवान सोम निरंतर चलने वाले यज्ञ में जाकर बैठता है। हे सोम, मीठा तू पानी में मिलकर ऊंचे स्थान पर रखे हुए बकरी के बाल की छलनी से छनता जा। उसके बाद आनंददायक और इंद्र को पीने योग्य आनंद देने वाला यह सोम जलयुक्त पात्र में जाकर रहता है। यहाँ छठवां खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। सेना को चलाने वाला शूर सोम गाय की इच्छा करते हुए रथ के आगे जाता है। इसकी सेना आनंदित होती है। मित्रों के लिए, याजकों के लिए इंद्र की प्रार्थना को कल्याणकारी बनाते हुए तेजस्वी वस्त्रों को धारण करता है। याजकों का समूह सोम गाय की इच्छा करता है। सोम अपने में गाय का दूध मिलाया जाए ऐसी इच्छा करता है। सब याजकों को आनंद होता है। तेजस्वी वस्त्रों को धारण करता है, दूध मिलाने के कारण वह तेजस्वी होता है। जब पवित्र होने के लिए बकरी के बालों की छलनी से नीचे बर्तन में गिरता है, तब तेरी मीठी धाराएं बहती हैं। हे पवित्र सोम, दूध में तू पवित्र होता है। उत्पन्न होने के बाद मानो तू अपने तेज से सूर्य को चमकाता है, अपने स्थान से पवित्र होता है। दूध सोम का स्थान है, सोम में दूध मिलाया जाता है, तेज से सूर्य को पूर्ण करता है, सोमरस विशेष चमकने लगता है। सोम की स्तुति करो, देवों की हम पूजा करें, बहुत धन की प्राप्ति के लिए सोम को प्रेरित करो। पश्चात यह मीठा रस बकरी के बालों की छलनी से छाना जावे, यह तेजस्वी सोमरस कलसे में भरा रहे। गति करने वाला या बहने वाला द्यावा पृथ्वी का उत्पादक यह सोम इंद्र के पास जाता हुआ अन्न को देता है। शस्त्रों को उत्तम रीति से तीक्ष्ण करता हुआ यह सोम सब धन अपने दोनों हाथों से धारण करता हुआ हमें देने के लिए आया है। उन्नत की इच्छा करने वाले के मन में विचारों द्वारा प्रेरित स्तुति जिसको तैयार करती है, उस यज्ञ के श्रेष्ठ हवि के पास सोम की प्रशंसा होती है। इसके बाद अच्छी तरह तैयार किए गए पालक और कलश में रहने वाले इस सोम के पास इच्छा करने वाली गायें आती हैं। यज्ञों में स्तोत्रों का गान होता है। सोम कूट कर उसका रस निकालते हैं, वह कलश में छाना जाता है और बाद में उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। इस विधि का यह अलंकारिक वर्णन है।
एक जगह रहकर कार्य करने वाली बहनें अंगुलियां सोम को शुद्ध करती हैं। ये 10 अंगुलियां सामर्थ्यवान सोम को धारण करती और हिलाती हैं। यह हरे रंग का सोम सूर्य के द्वारा उत्पन्न दिशाओं में घुमाया जाता है। वेग से दौड़ने वाले घोड़े के समान यह सोम कलसे में गिरता है। जिस प्रकार घोड़े को जेवर पहनाकर उसे सजाते हैं, उसी प्रकार सूर्य की किरणें उस सोम की शोभा बढ़ाती हैं। बुद्धिपूर्वक अंगुलियां रस निकालने में स्पर्धा करती हैं। पानी में मिलाते हुए और स्तोत्रों को सुनते हुए सोम छनता जाता है। जिस प्रकार पशु संवर्धन के लिए गोपाल उत्तम गोशाला में जाता है, जैसे घोड़ों को जेवर से सजाते हैं, उसी प्रकार सोम में दूध आदि मिलाकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। सूर्य में जैसे किरणें चमकती हैं, उसी तरह सोम का तेज चमकता है। बुद्धिपूर्वक अंगुलियां रस निकालने की स्पर्धा करती हैं। इस तरह रस बढ़ता है। रस निकालते हुए स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। सोम रस छाना जाता है। पशु संवर्धन के लिए जैसे गोपाल गौशाला में जाता है, वैसे ही सोम बर्तन में छाना जाता है। नीचे रखे बर्तनों में छाना जाने वाला, इंद्र का बल बढ़ाने वाला, याजकों को धन देता हुआ बल का राजा सोम आनंद बढ़ाने के लिए छाना जाता है। वह राक्षसों को मारता है और दुष्टों को दूर करता है। हे सोम, इस शुद्ध हुई धारा से ये धन हमें दे। हे सोम, सम्मान को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले, पानी के कलसे में जा, जिसका मूल आधार आदित्य जिस प्रकार वायु को प्रेरित करता है, उसी तरह नेता से वेग को यह सोम धारण करता है, और वह सोम बहुत बुद्धिमान इंद्र को भी प्राप्त करता है। एक धार से सोम छाना जाता है, बाद में पानी के कलसे में पहुँचता है। छानने के बाद उसे पानी में मिलाया जाता है। सूर्य जैसे वायु को प्रेरित करता है, उस तरह छानने वाला सोम को गति देता है, और वह बुद्धिमान इंद्र को दिया जाता है। जैसे लोग सम्माननीय लोगों के पास जाते हैं, उसी प्रकार पानी सम्मान के योग्य सोम में मिलाया जाता है। महान बलवान सोम उन महान कार्यों को करता है। उसके कार्य ये हैं: पानी को अपने गर्भ में धारण किया, बाद में देवों को प्राप्त किया, शुद्ध हुए सोम ने इंद्र के सामर्थ्य को स्थापित किया, और सोम ने सूर्य में तेज उत्पन्न किया। पानी को अपने गर्भ में धारण किया, सोम में पानी मिलाया जाता है। देवों का वरण किया, देवों को पीने के लिए सोम दिया जाता है। सूर्य में तेज बढ़ाया, सोम रस पीने के कारण देवों का सामर्थ्य बढ़ा। सबका मन जिसमें संलग्न है, पहले ही जिसकी स्तुति की है, वह शब्द करने वाला सोम यज्ञ में स्तोत्र पाठ के साथ जिस प्रकार संग्राम में घोड़े भेजे जाते हैं, उसी तरह पानी में मिलाया जाता है। 10 अंगुलियां यज्ञ स्थान में पहुंचने वाले सोम को उच्च स्थान पर बकरी के बालों की छाननी से उत्तम रीति से शुद्ध करती हैं। मन जिस पर लग गया है, वह सोम प्रथम जिसकी स्तुति की है, ऐसा सोम शब्द करने वाला छाने जाते हुए यह शब्द करता है। यज्ञ में स्तोत्र पाठ करते हुए सोम रस पानी में मिलाया जाता है। बकरी के बाल की छाननी से छाना जाता है। पानी की लहरें जिस प्रकार जल्दी चलती हैं, उस प्रकार शीघ्रता करने वाले ऋत्विज स्तुतियों को सोम के पास शीघ्र प्रेरित करते हैं। उन्नत की इच्छा करने वाली और नमस्कार करने वाली स्तुतियां इच्छा करने वाले सोम के पास पहुंचती हैं और उसमें प्रवेश करती हैं। सब ऋत्विज सोम की एकदम स्तुति करते हैं। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। 8वां खंड: स्तुति करने वाले याजकों, तुम आगे रखे हुए सोम रूपी अन्न के आनंद देने वाले इस रस के पास जाने की इच्छा वाले बड़ी जीभ वाले कुत्ते को दूर हटाओ। कुत्ते सोम रस न चाटें, ऐसा करो। पोषण करने वाला, सेवन करने योग्य, शोभावान ऐसा यह सोम रस छाना जाता हुआ नीचे के बर्तन में गिरता है। सब प्राणियों का पालन करने वाला यह सोम रस दोनों ही द्युलोक और पृथ्वी लोक को अपने तेज से प्रकाशित करता है। सोम रस चमकता है, इसलिए आलंकारिक भाषा में उन दोनों लोकों को प्रकाशित करने वाला बताया है। मीठे और आनंद बढ़ाने वाले सोम रस छानते हुए इंद्र के लिए तैयार होते हैं। हे सोम, तुम्हारे ये आनंददायक रस देवों के पास पहुँचे। मार्गों को उत्तम रीति से जानने वाले मित्र के समान रस निकाले हुए निष्पाप
मन को उत्तमता से एकाग्र करने वाले आत्मज्ञानी ये सोमरस हमारे लिए पवित्र होते हैं, छाने जाते हैं। हे सोम, सैकड़ों जिसकी प्रशंसा करते हैं, हजारों का जो पोषण करता है, बहुत तेजस्वी, विशेष प्रकाश की अपेक्षा भी अधिक प्रकाशमान, बल बढ़ाने वाले, धन हमें दे। विशेष तेजस्वी लोगों से भी यह सोम अधिक तेजस्वी है। गौ माताएं पहली आयु में उत्पन्न हुए बछड़े को चाटती हैं, उस प्रकार द्रोह न करने वाले जल इंद्र के प्रिय और चाहने योग्य सोम को प्राप्त होते हैं। द्रोह न करने वाले जल इंद्र को प्रिय लगने वाले सोम को प्राप्त होते हैं। जल सोम रस में मिलाया जाता है। सबों से पूजनीय और शत्रु का पराजय करने वाले सोम को जैसे पुरुषार्थ प्रकट करने वाले धनुष लेकर उस पर डोरी चढ़ाते हैं, उसी प्रकार ऋत्विज छानने के लिए तैयार करते हैं। विद्वानों के आगे पृथ्वी पर पूजित होने वाले अध्वर्यु स्वच्छ गाय के दूध को बलवान सोम के रूप में चमकाने के लिए आच्छादित करते हैं। क्षत्रिय जिस प्रकार धनुष पर डोरी चढ़ाकर युद्ध की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार ऋत्विज सोम छानने की तैयारी करते हैं। स्वच्छ गाय के दूध से सोम रस को ढक देते हैं, अर्थात सोम रस में गाय का दूध मिलाते हैं। सुंदर हरे रंग के और भूरे रंग के उस सोम को उनकी छाननी से छाना जाता है। यह सोम सब देवों के पास अपने आनंददायक गुणों के साथ रहता है। सोम का रस निकालने के बाद उसका अन्न का वह वर्णन सभी मनुष्य न सुने। जैसे दान दक्षिणा से रहित यज्ञ को भृगु ऋषि ने दूर कर दिया, उसी प्रकार कुत्ते को दूर करो। सोम रस के उस वर्णन को सभी आदमी न सुने, केवल विशेष योग्यता वाले ही सुने। यहाँ आठवां खंड समाप्त हुआ। नौमह खंडह। अन्न अर्थात हितकारक सोम प्रिय जलों में मिलाकर छाना जाता है। उन जलों में वह मिलकर बढ़ता है। बाद में महान होकर महान सूर्य के सब जगह जाने वाले रथ पर विश्व को देखने वाला सोम चढ़ता है। किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित न होने वाले हरे रंग के उत्तम रीत से निकाले गए सोमरस हमारे यज्ञ में हमें प्राप्त हों। दान न करने वाले हमारे शत्रु अन्न की इच्छा करते हुए भूखे अन्न के पाने वाले होवें। हमारे स्तोत्र देवों को प्राप्त होवें। हमारे शत्रुओं को खाने के लिए अन्न न मिले, वे वैसे ही बिना अन्न के भूखे रहें। इंद्र का वज्र मानो यही है, ऐसा बल से बहुत बलशाली यह मीठा सोम रस कलसे में शब्द करता है। यज्ञ के लिए उत्तम रूप से दूध देने वाली और घी चुबाने वाली रभाई हुई दुधारू गायें पास आती हैं। सोम के पास दुधारू गायें आती हैं। सोम रस में गाय का दूध मिलाया जाता है। यह सोम इंद्र के स्थान में पेट में जाता है और वहां जाकर मित्र रूपी यह सोम मित्र रूपी इंद्र के पेट में कोई भी कष्ट नहीं देता। जिस प्रकार तरुण पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ रहता है, उस प्रकार सोम जल के साथ मिलकर रहता है। यह सोम 100 छेद वाले छलनी के रास्ते कलश में छाना जाता है। अनेक स्त्रियों के साथ जैसे एक पति मिलकर रहता है, उस प्रकार सोम जल में मिलाया जाता है, अर्थात सोम रस बहुत सारे जल में मिलाया जाता है। धारणा शक्ति से युक्त कर्म करने वाला यह सोमरस देवताओं का बल बढ़ाने वाला ऋतुजों द्वारा प्रशंसित हरे रंग का सोम ऊपर के बर्तनों से छनता हुआ नीचे के कलश में गिरता है। बलवान ऋतुजों द्वारा निकाला गया यह रस घोड़े के समान सरलता से ही अपनी शक्ति से नदी के जल में अपने को मिलाता है। स्तुति करने वालों की इच्छा पूर्ण करने वाला विशेष ज्ञानी दिन उषा और सूर्य के बल को बढ़ाने वाला सोम छाना जाता है। नदी के प्राण रूपी जल में मिलाया गया ज्ञानी ऋतुजों द्वारा निकाला गया यह सोम रस इंद्र के पेट में जाने के लिए कलश में शब्द करता हुआ जाता है। श्रेष्ठ यज्ञ में रहने वाले इस सोम रस के लिए 21 गायें निश्चय से दूध देती हैं और यह सोम जब यज्ञ से बढ़ाया जाता है तब दूसरे 4 भुवनों में जल के 4 बर्तनों में छानकर शुद्ध करने के लिए उत्तम कल्याणकारी पद्धति से शुद्ध किया जाता है। 12 मास 5 ऋतु 3 लोक और यह आदित्य मिलकर 21 गायें हैं। यह भाव यहाँ दिखाया है। हे सोम, तू उत्तम प्रकार से रस निकालने के बाद
इंद्र के लिए प्रवाहित हो, रोग राक्षसों के साथ दूर हो जाएं, तेरे रस को पीकर सत्य और असत्य दोनों का आचरण करने वाले दुष्ट आनंदित न हो, ऐसे दुष्टों को सोमरस पीने को न मिले, सोमरस इस यज्ञ में धनयुक्त होवे, तेजस्वी बलवर्धक हरे रंग का सोमरस निकाला है, यह राजा के समान सुंदर है, गाय का दूध मिलाने के बाद शब्द करता हुआ वह छाने जाते हुए बकरी के बालों की बनी छाननी से छाना जाता है, छाना जाने के बाद शेन पक्षी के समान जलयुक्त कलश में वह जाकर रहता है। मीठे सोमरस इंद्र देव के पास प्रवाहित होते हैं, बर्तन में डाले जाते हैं, जैसे दुधारू गायें बछड़े के पास जाती हैं, यज्ञशाला में रहने वाली और शब्द करने वाली गायें अपने थनों से टपकने वाले दूध में सोमरस को धारण करती हैं, सोमरस में गाय का दूध मिलाया जाता है, ऋत्विज सोमरस को गाय के दूध में मिलाते हैं, विशेष रीति से मिलाते हैं, अच्छी तरह मिलाते हैं, देवगण इस सोमरस का स्वाद लेते हैं, शहद और घी उसमें मिलाते हैं, बाद में नदी के पानी में पड़े हुए सोम को सोने से पवित्र करते हुए तेजस्वी रूप देते हैं, दृष्टा देखने वाला, अंधेरे में चमकने वाला, हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर रस निकालते हैं और बाद में उन्हीं हाथों से छानते हैं। हे ज्ञानपते सोम, तेरे पवित्र अंग सब जगह फैले हुए हैं, तू सामर्थ्यशाली होने के कारण पीने वाले के शरीर में स्फूर्ति बढ़ाता है, सब जगह ही यह नियम है कि तप से बिना तपे हुए शरीर वाले कच्चे व्रत वाले मनुष्य को वह फल नहीं मिलता, लेकिन परिपक्व होने के बाद ही उसे वह प्राप्त करता है। यहाँ नौवां खंड समाप्त हुआ। दशमः खंडः। शीघ्र तैयार हुए आत्मज्ञान बढ़ाने वाले ये हरे रंग के सोमरस बलवान इंद्र के पास सीधे पहुँचे। हे सोम, उत्साह युक्त तू बर्तन में जा, हे सोम इंद्र के लिए कलश में जा, तेजस्वी और ज्ञान प्रसारक बल हमें भरपूर दे, हे मित्रों, हे ऋतुजों, आओ बैठो, सोम को छानते हुए सामगान करो, बालक को जिस प्रकार जेवरों से सजाते हैं उस प्रकार शोभा के लिए यज्ञ साधनों से इस सोम को अलंकृत करो, हे मित्रों, तुम आनंद को बढ़ाने के लिए छानते हुए उस सोम की स्तुति करो, बालक को जिस प्रकार सुशोभित करते हैं उसी प्रकार हवन से और स्तुतियों से इसे स्वादिष्ट करो, यज्ञ का प्राण महान जलों का पुत्र सोम यज्ञ के प्रकाशक अपने रस को प्रेरणा करता है, सब प्रिय हवियों में वह व्याप्त होता है और भू और द्युलोक में वह रहता है, हे सोम, देवों को देने के लिए वेग से और धाराओं से पात्र में छनता जा, हे सोम, आनंद देने वाला तू हमारे कलश में आकर रह, शुद्ध होने वाला स्तोत्र पाठ के बाद शब्द करता हुआ छाना जाने वाला सोम धार से बकरी के बालों से बनी छलनी से छनता चला जाता है, पवित्र होने वाले कर्म करने वाले सोम के लिए स्तोत्र बोले जाते हैं, स्तुति से प्रसन्न होने वाले के लिए जिस प्रकार सेवक को धन देते हैं उसी प्रकार विशेष रूप से स्तोत्र बोलो, हे बलवान सोम, रस निकालने के बाद हमें गाय घोड़े से युक्त धन दे, उसके बाद तू शुद्ध वर्ण को गाय के दूध में प्राप्त कर, गो दूध में सोम रस मिलाया जाता है, फिर उसका तेजस्वी वर्ण चमकता है, हे सोम, धन देने वाली तेरी हमें धन मिले इसलिए हमारी वाणी बहुत स्तुति करती है, उसी प्रकार हम तेरे वर्ण को गाय के दूध से आच्छादित करते हैं, प्रशंसनीय हरे रंग का सोम वेग से बुरे भागों को दूर करता हुआ नीचे के पात्र में जाता है, खराब हिस्से को दूर करता हुआ छनता जाता है, हे सोम, तू इस तोताओं को पुत्रयुक्त कीर्ति दे, छाना जाने वाला सोम मीठे रस को कलश में छोड़ता है, ऋषियों की सात पदों वाली वाणी इस सोम की स्तुति करती है, यहाँ दसवां खंड समाप्त हुआ। एकादशः खंडः। हे सोम, बहुत मीठा यज्ञ के संबंध में सब कुछ जानने वाला महान तेजस्वी और हर्ष बढ़ाने वाला तू इंद्र को आनंद देने के लिए वित्र हो, हे अन्न के स्वामी प्रकाशमान देव सोम, तू देवों को प्राप्त होने वाला है,
तू हमें तेजस्वी और श्रेष्ठ यश दे और शहद के कलश में जाकर भर जा। हे ऋतुजों, घोड़े के समान वेगवान, स्तुति के योग्य, जल के समान वेगवान, प्रकाश की किरणों के समान शीघ्रता करने वाले, जल से मिश्रित, जल के साथ मिले हुए सोम का रस निचोड़ो और उसमें दूध मिलाओ। तेजस्वी ऋत्विज, आनंद के प्रेरक और हजारों धाराओं से बर्तन में गिरने वाले, बलवर्धक, सब धनों के धारण करने वाले, इस उस सोम का रस निकालते हैं, जो धनों का, जो दूध आदि पदार्थों का, जो भूमियों का, जो उत्तम संतानों का देने वाला है, उस सोम का रस निकाल लिया है। हे शुद्ध होने वाले सोम, अत्यंत तेजस्वी, तू दिव्य जन्मों को जानता है और हे प्रिय सोम, तू अमरता की घोषणा करता है। अत्यंत आनंद देने वाला, जल के लहर के समान खेल करते हुए यह सोम रस बकरी के बालों से बने हुए छाननी से धार बांधकर कलश में छाना जाता है। जो फैलने वाले और जल को धारण करने वाले, मेघों में जलों को बल से छिन्न भिन्न करते हुए तू गाय और घोड़े के समूह को चारों ओर से घेरता है। हे शत्रुओं को मारने वाले सोम, कवच धारण करने वाले वीरों के समान तू शत्रुओं का नाश कर। यहाँ 11वां खंड समाप्त हुआ। इति पौमानम कांडम, पौमान कांड। पौमान का अर्थ है शुद्ध होने वाला, छाना जाने वाला, छान कर जिसका कूड़ा बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार पौमान का अर्थ हुआ वह सूक्त जिसमें सोम को छानने का वर्णन है। पौमान सूक्त का अर्थ है सोम रस छान कर स्वच्छ करने का वर्णन करने वाला सूक्त। पौमान इस पद के कारण ही सामवेद के इस मंडल का नाम पौमान कांड है। ऋग्वेद के नवम मंडल में पौमान सूक्त ही है। उनमें से कहीं कहीं से मंत्र लेकर सामवेद के पौमान कांड की रचना की है। इस पौमान कांड में सोमरस छानने के, उसे इंद्र को देने के और ऋतुजों द्वारा स्वयं पीने के वर्णन करने वाले मंत्र हैं। सोम यह एक बेल है, उसका रंग हरा होता है। उसके रस को निकालकर उसे देवों को पिलाकर बाद में ऋत्विज लोग स्वयं पीते हैं। सोम का उत्पत्ति स्थान, सोम का उत्पत्ति स्थान पर्वत का ऊंचा प्रदेश है, इसलिए उसे गिरिष्ठाह अंशुह, पर्वत पर होने वाली सोम बेल है, ऐसा कहा जाता है। अन्न रूप सोम का स्थान ऊंचे प्रदेश द्युलोक में है। इससे यह मालूम पड़ता है कि पर्वत के ऊंचे स्थान पर सोम उगता था, वहां से वह मैदान में लाया जाता था। देखिए, सत उग्रम शर्म भूम्या ददे, वे सुख देने वाले उग्र अन्न भूमि पर लाए गए। पर्वत के ऊंचे भाग पर उगने वाली यह सोमवल्ली वहां से यज्ञ के लिए भूमि पर लाई गई। ऋग्वेद में इस सोम को मौजवान कहा गया है।